जी का मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं सभी लोगों को। महेंद्र हाँ जी गुप्ता जो कि वर्तमान में महारानी स्कूल जयपुर में है, और इससे पहले ये एसएससी में गर्ल्स एजुकेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं, और रमसा में भी डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग रह चुके हैं। ये इससे ऊपर जो इनका जो कद है वो इससे नहीं बना है, इनका कद बना है ट्रेनिंग से। तो संधान का नाम कभी ट्रेनिंगों के पर्याय के रूप में जाना जाता था। आप में से कई लोग संधान की लोक जुम्बिश की शिक्षा कर्मी की कई ट्रेनिंग से जुड़े हुए होंगे, उनको पता है कि ये संधान क्या चीज है। हालांकि आज जो प्रशासनिक या राजकीय दखल के कारण उसका अब उतना वर्चस्व रह नहीं गया, लेकिन फिर भी संधान ने सिखाया हम लोगों को सबको कि ट्रेनिंग कैसे की जाती है। तो आज जो आप ट्रेनिंगों का रूप देख रहे हैं और उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो महेंद्र जी गुप्ता उस समय विश्व विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते थे, और पूरे राजस्थान में इन्होंने गणित का परचम लहराया था, और कई सारे प्रयोग भाई हनुमान जी जुड़े हुए हैं इनके साथ, कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और गणित विषय को कैसे रोचक बनाया जाए, बच्चे गणित से क्यों डरते हैं, क्या वाकई गणित कठिन विषय है, अंकों का जादू, तीलियों के माध्यम से गणित का विषय, आकृतियां कैसे बनाना, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन पर इन्होंने कई सारे प्रयोग किए हैं। और मुझे लगता है आज हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज गणित की बहुत शानदार टीम इकट्ठा की है अजीम प्रेम जी, मुरलीधर जी ने, और मैं सीधे सीधे महेंद्र गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो जैसे चाहें जिस तरह से चाहें संभागियों से रूबरू हों। आदरणीय महेंद्र जी। धन्यवाद कृष्णा अवतार जी, सभी साथियों को नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस डिजिटल प्रयोग के माध्यम से हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, क्योंकि समय की परिस्थितियाँ कई बार नवाचार करने को हमको विवश कर देती है। जहाँ हम पहले प्रशिक्षणों में एक दूसरे से फेस टू फेस आमने सामने बैठकर बातचीत किया करते थे, पर आज वो स्थितियाँ नहीं है। पर इस स्थिति का भी हमें सीखने को सिखाने को एक नया तरीका मिलता है, तो इसे भी एक आपदा को अवसर के रूप में अपने को लेना चाहिए। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है, जैसा कि इसमें मुझे आदेशित हुआ है कि प्रमुख वक्ता के रूप में, पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत से साथी इसमें ऐसे हैं, योगेश जी हैं, हनुमान जी हैं, कृष्णा अवतार जी हैं, कमलेश जी हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो वर्षों से हम साथ रहे हैं, काम किया है। तो ये जो चर्चा है, इसको हम एक वन वे ट्रैफिक के रूप में नहीं, बल्कि इसको हम पार्टिसिपेटिव अप्रोच के रूप में सहभागिता परक इसे बनाएं और अपने अनुभवों को शेयर करें, क्योंकि उद्देश्य ये है कि जो वास्तव में जो स्थिति हम देख रहे हैं गणित विषय को लेकर, वो हम सब इससे वाकिफ हैं। हम जानते हैं सब कि गणित विषय हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। सुबह उठने से लेकर रात तक ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे गणित के बिना संपादित होता हो। अगर अभी भी हम देखें तो हम ये देख रहे हैं कि हाँ, हमारा टाइम 11 से 1 का दिया हुआ था, कितने संभागी हमारे साथ, अभी 34 संभागी है जुड़ गए हैं। अगर इस स्क्रीन को देख रहा हूं तो ये कोई ज्योमेट्रिकल शेप लिए हुए है, तो जहां भी हम निगाह दौड़ाएं वहां हमारी गणित ही गणित हमको नजर आती है। और ये जो आज कार्यक्रम की अगर हम बात करें, तो मैं कहूं कि अगर मैं किसी को 1 रुपया देता हूं तो उसके पास 1 रुपया रहता है, और वो मुझे 1 रुपया देता है तो मेरे पास 1 रुपया रहता है। पर यदि हम एक विचार किसी को दें और दूसरा व्यक्ति हमारे पास हमको एक विचार दे, तो दोनों के पास दो दो विचार हो जाते हैं। यानी विचारों की ये श्रृंखला, ये जो पारस्परिक विचारों का लेन देन है, ये कम नहीं होता, ये बढ़ता है। जितना हम एक दूसरे से अपने अनुभवों को शेयर करें, बांटें, तो ये हमारे बच्चों तक ये पहुंचे, इसी कार्यक्रम का यही मुख्य उद्देश्य है। तो हम आज इस बात से शुरू करें कि जब हम सब जानते हैं कि गणित हमारा इतना उपयोगी है, पर जब हम कक्षाओं में अगर जाकर देखते हैं, कक्षा की स्थिति देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बच्चे 40-50% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक जवाब दे पाते हैं, बाकी आधी कक्षा ऐसी होती है जो हमें लगता है कि वह कक्षा के स्तर की नहीं है। और टीचर को यह चिंता बराबर बनी रहती है कि बच्चों का मैं कहाँ से शुरू करूं, बच्चों की हालत हम सब वाकिफ हैं,
और बच्चों में गणित के नाम से ही हम देखते हैं कि एक खौफ पैदा हो जाता है, वो गणित विषय से, वो गणित टीचर से, और गणित में जब पढ़ाई जाती है तो उसे अगर पूछो कि सबसे ज्यादा डर क्यों लगता है, किससे लगता है, तो वो गणित की ही बात करता है। तो मैं साथियों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि गणित विषय से आखिर बच्चे क्यों डरते हैं, और अगर आपके कोई अनुभव भी साथ में हो तो इसे अनुभव के साथ भी अगर बताएंगे तो हम सारे साथी एक दूसरे से लाभान्वित हो सकेंगे। साथी अपने अपने विचार रखें कि हम बच्चे गणित विषय से डरते क्यों हैं, जिससे इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें। जो साथी बोलना चाहे वो अपना माइक ऑन कर ले, और बाकी सब साथी अपने माइक को म्यूट रखें, जिससे हमारी बात को साफ सबको सुनाई दे। सभी को नमस्ते, मैं हनुमान सहाय। जैसा कि अभी कृष्ण कुमार जी ने बताया कि भी गणित पे हम लोग कुछ बातचीत करने वाले हैं, मेरी आवाज आ रही है? कोई एक साथ ही इशारा करे तो पता चले। ओके, तो जैसा कि क्लासरूम की बात अभी महेंद्र जी ने शुरू की कि क्लास में जाएंगे तो बच्चे और टीचर आमने सामने होंगे, और जो मुद्दा हमने आज एज ए वाक्य रखा है कि बच्चे गणित से डरते क्यों हैं, तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये डर और आनंद, पहले इसको यदि टीचर के फर्क समझ में आए और थोड़ा क्लियर हो तो उसके एफर्ट्स उस तरह के हो सकते हैं कि आखिर डर कब होता है और आनंद कब आता है। तो मेरा ये मानना है कि जो परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती है, जिनमें हम अपने आप को सहज महसूस करते हैं, तो वहां आनंद मिलता है। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसा कार्य, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टास्क जिसको हम कर नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है कि हमको उस पर आत्मविश्वास नहीं है कि मैं इसको कैसे कर पाऊंगा, मेरे अनुकूल नहीं है, तो फिर वो डरने सा लगता है। तो शायद ये क्लासरूम में जो भी 50% बच्चों की बात हुई है कि किसी वजह से, जैसा कि अभी आगे बात करेंगे तो पता चलेगा कि वजह पता नहीं क्या क्या बहुत सारी वजह हो सकती है कि क्यों वो बच्चे असहज महसूस करते हैं या जवाब देने से झिझकते हैं, कुल मिला के वो डर महसूस करते हैं। तो वो डर किस किस वजह से वहां आ गया है, और कैसे हम शिक्षक और शिक्षक शिक्षण से जुड़े हुए सभी साथी, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर हैं, जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, प्रशासन वाले भी हैं, और एक शिक्षक भी है, और बच्चे जरूर हमारे सामने नहीं है, लेकिन उन्हीं से हमको रूबरू होना होता है। तो वो डर शायद कहाँ कहाँ से जा सकता है, तो उनको यदि हम पहचाने, तो एक दो जो मेरे अभी ध्यान में आ रहा है कि खासकर वैसे तो सभी विषयों के साथ होता है, लेकिन गणित का नेचर एक दो मामलों में थोड़ा अलग है, और वो जो प्रमुख मामले ये हैं कि गणित के कॉन्सेप्ट, गणित की जो प्रक्रिया है किसी काम को करने की, वो पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। कोई भी टॉपिक एकदम नया स्वतंत्र यहाँ पर नहीं है। अगर आप भाग का काम करवाना चाह रहे हैं, डिवीजन करवाना चाह रहे हैं, तो वो जरूर मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन, पहाड़े, इन सब पे डिपेंड करेगा। तो ये टॉपिक्स एक दूसरे पे बेस्ड होते हैं, तो अगर पिछले टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो बच्चे को झिझक होगी, वो सोचेगा कि अभी ये भाग में पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है, और भाग कभी मल्टीप्लाई करते हैं, कभी घटाते हैं, कभी टेबल या पहाड़ा बोलते हैं, तो पता नहीं तीन चार काम करते हैं, तो उसको अगर वो तीन चार प्रक्रिया एल्गोरिदम उसको मालूम नहीं है, तो उसको भाग जरूर कठिन लगेगा। दूसरा उदाहरण इसके लिए हम समीकरण का ले सकते हैं कि अगर समीकरण हल करने की बात चल रही है क्लास में, तो वो बच्चे असहज या डर महसूस करेंगे, क्रियाकलाप में भाग नहीं लेंगे, पीछे बैठना चाहेंगे, जिनको अभी वेरिएबल्स यानी चरों के बारे में कुछ अस्पष्टताएं हैं, उनको एल्जेब्रिक टर्म्स को यानी बीजीय पद होते हैं उनको जोड़ना घटाना वो उनको मालूम नहीं है, तो कुछ इस तरह के डर कॉन्सेप्ट को लेकर हो सकते हैं। दूसरा जो पक्ष है हमारा शिक्षक वाला, कुछ डर
शिक्षक की वजह से भी पैदा हो जाते हैं। कि मान लीजिए भोले भाले बच्चे ने एक सवाल किया कि सर ये कुछ कैसे करना है, ये कैसे होगा, अब टीचर ने कैसा रिप्लाई किया वो उसको प्रोत्साहित करता है, उसकी प्रॉब्लम को सही एड्रेस करता है, तो बच्चा थोड़ा निसंकोच होगा और आगे से आगे अपनी प्रॉब्लम सामने रख। आवाज चली गई सर, आप अनम्यूट करिए सर एक बार। हनुमान जी सर आप अनम्यूट करिए। अच्छा कितनी देर से हो रहा था ये? बस विद इन वन मिनट हुआ है, थोड़ी देर से हुआ। अच्छा ठीक है ठीक। तो अभी एक बार तो मैं मेरी बात ऐसे ही पूरी करता हूँ कि बच्चा जब डरता है तो वो क्रियाकलाप में भाग नहीं लेता है, और क्रियाकलाप में भाग नहीं लेता है सीखने समझने में वो पिछड़ने लगता है, तो और डरों का ढेर उसके सामने बनता जाता है। तो इसकी दो वजह है, एक बच्चा स्वयं और एक शिक्षक। अब क्योंकि शिक्षक लोग हम साथ में हैं और बच्चा, तो अगर बच्चे के डर लग रहा है तो भी वो वजह हमको ही दूर करनी पड़ेगी। इसलिए शिक्षक को इन डरों को समझना है कि कहां कहां पर प्रॉब्लम्स है और फिर उनके लिए काम करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है और बाकी साथियों को मैं आमंत्रित करता हूं। नमस्ते, मैं कमलेश गुप्ता, आप सभी रामानुजाचार्य का सादर नमन करता हूं। और जैसा कि अभी हनुमान जी भाई साहब ने कहा कि डर और आनंद, जहां तक मेरा अनुभव है कि बच्चे को गणित से डर इसलिए लगता है कि जो हम अवधारणा जो हम परोस रहे हैं गणित की, वो हम उसके दैनिक जीवन से जुड़ाव लेते हुए नहीं परोस रहे हैं, इसलिए बच्चे को अवधारणा को समझने में थोड़ा डर लगता है। और यदि इसी अवधारणा को हम बच्चे के परिवेश से जोड़ते हुए परोस दें तो बच्चे को गणित में आनंद आने लगता है। मेरा ये एक व्यक्तिगत मेरी एक मान्यता है। और जैसा कि आपने कहा कि एक गणित की अवधारणा, केवल गणित के विषय में, कि गणित की अवधारणा एक स्वतंत्र नहीं होती, स्पाइरल है, स्पाइरल होता है, और यदि हम बीच में से कहीं शुरू नहीं कर सकते, स्पाइरल हो, इसकी जो मुख्य भूमिका स्पाइरल होने के कारण हमको शुरू से ही इसका अध्ययन करना पड़ता है। तो मेरी जो व्यक्तिगत मान्यता यह है कि यदि हम बच्चों को अवधारणा उसके वातावरण से जोड़ते हुए और विभिन्न तरीकों से परोसें तो बच्चे का डर हम बेहद कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। जी कमलेश जी, मुझे भी इस संबंध में बात करनी थी। हनुमान जी ने बहुत शानदार से बताया कि आनंद और डर, इसी को मैं थोड़ा सा और खोलता हूँ कि घर में मम्मी होती है और घर में पापा होते हैं। अब मैं यदि बात करूं तो बच्चा सबसे ज्यादा किससे कुटता है, किससे पिटता है, मम्मी से या पापा से? जाहिर सी बात है मम्मी से पिटता है, लेकिन डरता किससे है? पिताजी से डरता है। तो इसको थोड़ा सा इसको खोलें अपन कि आखिरकार वही बात कि घर से डरता क्यों है, कि मम्मी सुबह से लेकर शाम तक अच्छा तूने ये किया, आने दे पापा को। तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ बच्चे के दिमाग में भर दिया कि पापा नाम का ये कैसा प्राणी है, वो आएगा और फिर तेरी बैंड बजाएगा। एग्जैक्टली गणित के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि बेटा तू पास हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन तू गणित में पास हो गया बता तो बताएंगे, गणित में ये करके देखा तो बताएंगे। तो गणित का जो हुआ, जैसे आजकल जो कोरोना का हुआ कर रखा है ना, ऐसे प्राचीन काल में गणित का हुआ कर रखा था। तो अच्छा दूसरा कि माता पिता में देखें अपन तो बच्चा माँ से पिटता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल रहता है उनसे बात करने में। लेकिन दूसरी तरफ पिता उसको इतना कंटिन्यूस मारते नहीं है, रेगुलर नहीं मारते, लेकिन उससे बात करने में कहीं ना कहीं झिझकता है। तो जब तक जैसे किसी बच्चे ने कोई गलती करी या कोई संभावना हुई, उधर बच्चे को तुरंत ही पनिशमेंट इस तरीके का मिल जाता है कि बच्चा फिर दोबारा सोचता भी नहीं कि मुझे इस संदर्भ में कुछ अपनी राय रखनी है। तो एक गणित में डर का ये भी कारण मुझे लगता है। जी थैंक यू।
सर मैं मेरी बात रखूं थोड़ी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर सोन जी, सर कहिए। हाँ नमस्कार साहब सभी को। नमस्कार, फरमाइए। अभी बीच बीच में कुछ आवाज आ सकती है क्योंकि घर का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। हाँ बोलिए, वो भी ज्यामिति गणित चल रही है। और बिल्कुल 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 जी, आवाज यही सोन जी, आवाज को तो हम देख लेंगे, आप चेहरा पूरा दिखाओ पहले। ऐसा? हाँ चेहरा नहीं आया अभी आपका, बिल्कुल बिल्कुल। बात ऐसी है सर, मेरे पास अभी सामने रोड़ी बजरी वगैरह सभी पड़ी, मैं उसी का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अगर हम एक हथेली में अपने रोड़ी ले तो सारे वो एक जैसे नहीं है, सारे के सारे कोई छोटी कोई बड़ी कभी इस तरह की है, और जैसे बजरी को छानते हैं ना हम, तो वो सारी की सारी भी नहीं छन जाती है। यही स्टूडेंट्स के साथ में आलम है कि सारे बच्चे अपने अलग अलग लेवल के हैं, ठीक है ना, बस थोड़ा सा गणित के शिक्षक को पेशेंस की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। हर बच्चे को सुधारा जा सकता है, किसी को थोड़ा सा वक्त ज्यादा देना पड़ेगा, किसी को कम, उसके अंदर उसकी खूबी को पहचानना पड़ेगा। और गणित में क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। जैसे अभी हनुमान जी सर ने भी बताया था कि समीकरण, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोण का मामला ज्ञात करना है, एक एक्स है, एक दूसरा दो एक्स है, तीसरा तीन एक्स है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करो, कोण की वैल्यू ज्ञात करो, तो था त्रिभुज का लेकिन ले गए समीकरण में। तो अगर किसी का समीकरण का पाया कमजोर है, समीकरण का पाया कमजोर है, निश्चित रूप से अटकेगा। और जब ऐसे दो बार चार बार दस बार होगा तो वो मैथ्स से थोड़ी सी दूरी बना लेता है। शिक्षक की भूमिका अहम होती है कि वो उसको प्यार से समझाता है या डांट डपट के भगा देता है, क्योंकि वक्त कम होता है, नहीं तो हर बच्चे को मतलब राह पे लाया जा सकता है। और एक बार एक ही जैसे क्वेश्चन अगर आठ दस बार करेंगे ना सर, तो वो जो सारे बच्चे हमारे पहले नहीं चल पा रहे थे, धीरे धीरे बजरी के उनकी तरह से छनते छनते फिल्टर हो जाएंगे। अभी हमारे जैसे सुरेंद्र जी भाई साहब, सुरेंद्र जी सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अभी इनके साथ में इनका बेटा वो रूबी क्यूब बना रहा था। यस सर। तो वो शानदार चीज है, वो एक बेहतरीन चीज है आईक्यू लेवल को स्ट्रॉन्ग करने की, क्योंकि उसके अंदर एक पहले एक फेज बनाना आए, दूसरा आए, तीसरा आए, चौथा आए। तो सर अभी है ना सर, एक मिनट मैं कहना चाहूंगा, 4.5 साल का हुआ है, मैं खुद ही सॉल्व नहीं कर पाता, वो कर लेता है। गजब बात है सर, गजब बात है। चलिए कभी कभी मिलेगा तो इनाम मेरे साथ में रहेगा उसको देने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो इस तरह से बात, क्योंकि ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, पांच दस मिनट हम बांट लें। बात इतनी सी है कि हम खेल खेल में, गणित में खेल खेल में, जैसे एक छोटा सा महेंद्र जी सर, एक छोटी आपकी किताब में भी है वो, 7, 11 और 13, 7, 11, 13 का कंसेप्ट, जिसमें तीन अंकों की हम कोई भी संख्या लें, बच्चे से एक एक अलग अलग बच्चे से पूछे कि राम श्याम महेश एक एक संख्या दो, तीन अंकों की संख्या के बाद में फिर से तीन अंक फिर से ली, 6 अंक की संख्या हो गई। हनुमान साहब जी, भाभी जी को भी नमस्कार बोलिएगा, पीछे रेड साड़ी में नजर आ रहे। तो वो जो 6 अंकों की संख्या बनी, 3 और 3, 6, 3 और 3, 6, तो इनमें पहले 7 का भाग दिया, भाग गारंटी से जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा, विश्वास दिलाओ। तो हमारे कई बच्चे उस रोड़ी की तरह से छन गए कि सर मेरा तो नहीं जा रहा, क्योंकि भाग टूट की जीरो के कई कंसेप्ट गड़बड़ है बच्चों के, कुछ कहीं अटके, कुछ कहीं अटके। उनको थोड़ा सा ठीक है बेटे कोई बात नहीं, हमारे करीब 30% 40% बच्चे सरकारी स्कूल के बोल रहा हूं, वो 7 का पूरा पूरा भाग दे देंगे। फिर अगला जो आया हमारा भागफल, उसमें 11 का दिलवाइए, फिर 13 का दिलवाइए, तो वापस वही 3 अंकों की संख्या आ रही है। इसका मतलब वो तीनों सही कर रहे हैं। तो अगर हमारे 30% सही हुए, नया सवाल दीजिए, आपकी बार 50 से 60% सही करेंगे, फिर 80% जाएंगे। आप देखोगे कि धीरे धीरे गलती करने वालों की जो है ना संख्या, वो 5 से 10% ही रह जाएगी। वो तो रहनी भी चाहिए, वो रहनी भी चाहिए, क्योंकि बजरी जो है ना, बजरी, फिर से मैं एग्जाम्पल उसी का ले रहा हूं, वो तरोताजा तभी होएगी जब इस तरह से मोड़े मोटे जो कंकर पत्थर जो है ना, वो उसको थोड़ा सा तैयार करते नहीं, चलनी काम नहीं करेगी।
ठीक है सर, अब और हमारे साथियों का साथ। साथियों, अभी हनुमान जी ने, कृष्ण अवतार जी ने, सोहन जी ने और कमलेश जी ने कुछ बात शुरू करी और उनकी बातों से कई चीजें ऐसी है जो मेरे ध्यान में आई, वो पहले आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ विद एग्जांपल के माध्यम से। एक तो बात जो अभी कमलेश जी ने कही कि दैनिक जीवन से जोड़कर और अवधारणाओं को स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। ये वास्तव में कॉन्सेप्ट वाली जो बात है, हम सब जब भी बात करते गणित की कहते हैं कि गणित दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे। अगर जब एज ए शिक्षक क्लासरूम में हम पहुंच जाते हैं तो हमारा जल्दी से सूत्र को बता देना और सूत्र के माध्यम से सवाल हल कर लेना और वो सवाल हल करके बच्चे को बता दिया कि हाँ भाई उत्तर आ गया, अब आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर। और बच्चे कई बार सोचते हैं कर क्यों रहे हम, या तो वह कई बार सूत्र भूल जाते हैं या कई बार वो कहते हैं कि ऐसा कर क्यों रहे, उनको ये समझ नहीं आता कि ये हमसे ये सूत्र याद क्यों करवाया जा रहा है, ये हमारे क्या काम आएगा। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि हमारे एक अधिकारी का भी करीब 6 महीने की बात है, उनका मेरे पास फोन आया कि मैं बच्ची को एलसीएम पढ़ा रही हूँ लघुत्तम समापवर्ती, और संख्याओं का जो प्रोसेसर है हमारा कि जो बाह्य गुणनखंड विधि से भाग विधि से हम करते हैं, एलसीएम तो मैंने बता दिया मगर उसको कॉन्सेप्ट जब वर्ड प्रॉब्लम आती है तो उसे समझ नहीं आ रहा, और वो मेरे से ये पूछ रही है कि एलसीएम है क्या, समझाना उसको बात समझ में आ नहीं रही, तो मैं इसके लिए उसे क्या उदाहरण दूं। तो मुझे एक जो उदाहरण जिसको एक कहानी छोटी सी हम काम में लेते हैं तो मैंने उनको बताई, उनका आप उसके सामने एक चुनौती रखिए कि दो महिलाएं बाजार गई, एक महिला के 2 बच्चे हैं, एक महिला के 3 बच्चे हैं। महिलाएं दोनों बाजार में गई तो उन्होंने केले वाले को देखा और उन्होंने सोचा कि अपने बच्चों के लिए हम केले खरीदें। एक महिला जिसके 2 बच्चे थे उसने सोचे कि मैं जो केले इस तरह से लूं कि मेरे दोनों बच्चों में बराबर बराबर बढ़ जाए, तो यानी उसे 2 के मल्टीपल में 2 के गुणज में केले लेने हैं। अब वो 2 ले 4 ले 6 ले 8 ले 10 ले 12 ले, और जिसके 3 बच्चे हैं वो केले इसी हिसाब से खरीदे कि उसके 3 के गुणज में बढ़ जाए, यानी 3 ले ले 6 ले ले 9 ले ले 12 ले ले। मगर वो ये भी चाहती है कि दोनों केले बराबर भी लें और कम से कम केले खरीदने पड़े ताकि ज्यादा पैसे भी ना लगे। तो बताओ उन महिलाओं को कितने केले खरीदने होंगे। अब इस तरह की जो चुनौती हम सवाल जब बच्चों के सामने डालते हैं तो बच्चे विचार करते हैं कि हाँ ये 2 खरीदेगा, ये 4 खरीदेगी, ये 6 खरीदेंगे, ये 8 खरीदेंगे, दूसरे वाला 3 लेंगे, 6 लेंगे, 9 लेंगे, 12 लेंगे। तो ये जो संख्याएं ले रहे हैं बच्चे, ये दरअसल हैं क्या हमारे, ये अपवर्त्य हैं, जिनको हम मल्टीपल कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में गुणज या अपवर्त्य कह रहे हैं। अब इनमें समान अपवर्त्य कौन कौन से हैं तो वो हम देख रहे हैं, 6 भी है 12 भी है 18 भी है। फिर हम कहते हैं कि इसमें लिस्ट यानी सबसे छोटा कौन सा है, लघुत्तम समापवर्त्य यानी कम से कम कितने के ले लें, तो वो संख्या समझ में आ रही है। तो इसे शब्द में ही अगर हम देखें कि लघुत्तम समापवर्त्य में ही इसकी पूरी परिभाषा छुपी हुई है तो बच्चों को प्रोसीजर ये बात समझ में आती है कि हम एलसीएम होता क्या है। और फिर बात करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं कैसे, तो अब जो भी हमारा सूत्र या विधि है वो है कि गणना को हम जल्दी से कैसे निकाल लें उसका तरीका, पर बाकी वही एकमात्र तरीका हो ये आवश्यक नहीं है। बच्चे अपने दिमाग से विचार करके सवाल को कर सकते हैं, पर कई बार शिक्षक को ऐसा लगता है कि सारा तरीका तो मैं ही बताऊंगा, ये बच्चे थोड़ी सोच पाएंगे और मेरे बताने के बाद ही ये करेंगे। यही दरअसल एक मूल समस्या है, क्योंकि जब तक टीचर ये मानता कि मेरा बताया हुआ है तो वो तो एक तरह से हम कहें कि उसके मुंह में खुराक को उंडेलना है। फिर जो हम बात करते हैं गणित की कि गणित चिंतन है, तार्किक है, तर्क है, ये कोई मायने नहीं रखता। तो हमारा जब भी उद्देश्य हो कि हम जब बच्चे को पढ़ाएं तो उसकी अवधारणा जरूर उसके सामने रखें। और जो दूसरी बात है कि पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जो भी हनुमान जी सर ने कहा बहुत अच्छी बात है, जब तक हम उसका बेस क्या है, पुरानी चीज क्या है, अगर उसके साथ जोड़कर उसी नई चीज को नहीं प्रस्तुत करेंगे तो बच्चों की बात समझ में नहीं आती। जैसे उदाहरण के तौर पर आप सब जानते हैं 6ठी कक्षा में जब बीजगणित को इंट्रोड्यूस किया जाता है
तो बच्चों के सामने एक्स नामक ऐसा हवा पैदा हो जाता है कि वो संख्याएं तो समझते हैं मगर वो ये देखते हैं कि ये एक्स क्या है, ये कैसे समझे कि एक्स क्या है, और उस एक्स वाले जोड़ बाकी गुणा भाग को समझ नहीं पाते। इसी वजह से आगे चाहे फिर वो गुणनखंड हो या समीकरण हो वो उनके समझ नहीं पड़ती। जबकि हम सब जानते हैं कि बीजगणित अंकगणित का ही सामान्यकरण है, पर बात यह है कि हम इसे इंट्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं, क्या हमने इसको समझा कि बच्चे इस बात को समझें कि एक्स क्या है। आपने देखा होगा कई बार हम इस बात को शुरू करते हैं जोड़ने से, एक छोटे से उदाहरण से, बहुत साथी जानते भी हैं पर मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने स्पष्ट कर दूं, शायद अगर बोर्ड मेरा दिखाई पड़ रहा है तो देखिए, जैसे हम ये कहते हैं कि अगर एक पेड़ की डाली पे हमने ये कह दिया कि ये कितनी चिड़ियाएं बैठी है, तो हम बच्चों से गिन के बता देते कि भाई यहाँ पे तीन चिड़िया बैठी, या हमने उदाहरण के तौर पर कह दिया कि देखो एक ये टोकरी है इसके अंदर हमने यहाँ पर रख दिए एक दो यहाँ पे भाई कितने लड्डू है, तो बोले तीन लड्डू है। फिर हमने इसमें कहा कि देखो एक टोकरी और है इस टोकरी में कितने लड्डू है, तो उन्होंने गिन के बता दिया कि दो है। हमने कहा कि देखो एक टोकरी और है इसमें कितने लड्डू है, तो बोले इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो हमने कहा जीरो लड्डू है। फिर हमने कहा कि देखो एक टोकरी और है अब इसमें ये भरी है, अब भरी है तो इसमें कितने लड्डू है, तो ये है तो सही पर अभी पता नहीं है, बिना गिने नहीं बता सकते, तो यहाँ तीन है यहाँ दो है यहाँ जीरो है यहाँ कुछ है तो सही पर पता नहीं है, यानी संख्या तो है। जब संख्या पता नहीं है तो हम इसे मान लेते हैं, माना इसमें कोई भी संख्या एक्स नाम दे दिया, क नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, तो माना इसमें लड्डू एक्स है। तो एक्स एक संख्या है पर जब तक पता नहीं है तो हमारे पास ये हो गई एक अज्ञात राशि। तो हमने इसको इंट्रोड्यूस करने का तरीका, अब मैंने इसे कहा कि मान लीजिए मेरी जेब में कुछ रुपए हैं और मैं 5 रुपए मिला देता हूं, 25 रुपए हो गए, बताओ मेरी जेब में कितने थे, तो बच्चे अपने आप सोच के बता देते हैं कि आपकी जेब में 20 रुपए थे, भाई कैसे सोचा आपने 20 रुपए थे। तो ये जो जहां तक हम शुरुआत करना कि कैसे समीकरण का बनना, एक्स का मतलब क्या है, फिर एक्स की राशि अगर 7x में 3x जोड़ें या 7x में 3y जोड़े तो कैसे जुड़ेगा, या 7x को 3x से गुणा करें तो कैसे गुणा होंगे। तो जब तक बीजगणित में पूर्णांकों के जोड़वा की गुणा भाग और घातांकों के जोड़वा की गुणा भाग, जो अभी हनुमान जी कह रहे थे पूर्व ज्ञान, अगर इनकी समझ स्पष्ट नहीं होगी तो बच्चों को बीजगणित नहीं आएगी। तो ये निश्चित मान लीजिएगा यदि हमें बीजगणित शुरू करनी है तो उससे पहले ऋणात्मक संख्याओं के जोड़वा की गुणा भाग और घातांकों के जो गुणा है भाग है इनको बहुत अच्छे से बहुत अभ्यास के साथ इनको कराना होगा, तब जाकर बच्चे को बीजगणित की समझ बनेगी। और ये जो पूर्व ज्ञान की बात है ये स्पष्ट होगी तो जो डर की वाली बात है जो कहा तक हमें नहीं आता, इस बात का ही तो डर है, अगर उसे आता होगा तो बच्चा तुरंत जुड़ जाएगा और तुरंत सवाल देगा और जो सवाल का हल मिलेगा तो उसको निश्चित रूप से उसको खुशी मिलेगी और उसको आनंद आएगा। आगे साथी होते अपनी बात कहना चाह रहे हैं कोई साथी, मैं फिर अपनी बात आगे। हाँ, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ अभी इसी चीज को। तो ये भी आपने जो बीजगणित का एक्स इंट्रोड्यूस करने की बात की तो इसको मैंने अभी प्रैक्टिकल किया कुछ समय पहले, आवाज आ रही है, तो मैंने जैसे आपने बताया तो वो प्रयोग मैंने बार बार काम में लिया, उसको थोड़ा और एक्सपेंड किया कि मैंने एक प्लेट में अंगूर रखे, एक कटोरी में अंगूर रखे, प्लेट में रखे कटोरी में रखे, और जैसा कि वो बहुत सारे हैं तो ये मान लिया कि एक में अभी काउंट करेंगे पता चलेगा, मान लो उसमें एक्स है और प्लेट में हमने अलग है उसमें, उनको काउंट करेंगे जब पता चलेगा उनको मैंने वाई मान लिया, एक में एक्स है एक में वाई है। अब मान लीजिए बिना काउंट करे उन दोनों को शामिल कर देंगे तो कितने होंगे, तो हमको तो पता है कि x प्लस वाई हो जाएंगे लेकिन बच्चे अभी तक इसको समझ नहीं पाते। इसके लिए मैंने एक प्रयोग किया, x और y से पहले ही मैंने उनसे पूछा कि 5 और 4 को जोड़ने पर क्या आंसर आता है, तो बच्चों ने जवाब दिया 9, नो। मैंने कहा नहीं,
नो तो आ ही रहा है लेकिन अब आपने जोड़ा कैसे इनको, तो ज्यादातर बच्चे सीधा नो ही बोलते हैं। तो मैंने प्रयास किया कि नहीं पहले आप पांच और चार को जोड़ने के लिए पहले लिखोगे ना कि पांच प्लस चार, तब जाकर अगले स्टेप में वो नो बनेंगे। तो ये जो प्रक्रिया का छोटा चरण विकसित किया कि एक प्लेट में मान लीजिए 10 लड्डू रखे हुए हैं तो दो प्लेट में कितने होंगे, वो जब 20 बोलते हैं तो मैं उनको रोकता हूँ कि 20 मत बताओ, ये 20 आया कैसे, तो उनकी आदत डलवाई कि 10 को मैंने 2 से गुणा किया यानी 2 गुणा 1, 2 गुणा 10, 2 गुणा 5, फिर अगली लाइन में आप कैलकुलेट करो। तो यदि ये बीज का स्टेप विकसित हो जाए जैसा मैंने किया तो फिर बीज गणित में सुविधा होगी कि एक प्लेट में x है और ऐसी दो प्लेटें हो जाएगी तो 2 गुणा x हो गई यानी डबल हो गई। तो अपने अंक गणित में तो डबल करके सीधा हम आंसर बोल देते हैं, बीज गणित में केवल 2 को गुणा ही तो करना है। फिर मैंने पूछा कि 10 लड्डू रखे हुए इनमें से 2 हमने कम कर दिए, आप बताइए कितने रहे। तो अब उनकी आदत पड़ गई थी कि हमको 8 नहीं बोलना है, तो उन्होंने कहा 10 थे मेरे पास तो 10 माइनस 2 हो। तो ये कारगर तरीका मुझे लगा कि वो 8 न बताकर पहले 10 माइनस 2 करने की आदत डाले तो बीज गणित में सुविधा हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट को जल्दी पकड़ेंगे कि x लड्डुओं में से 2 कम कर दिए तो x माइनस 2 लिखना सीखेंगे। उनको ये भी पता चलेगा कि x माइनस 2 अपने आप में एक संख्या है, ये भी एक किसी संख्या को भी है। तो अवधारणा को जितना थोड़ा समय ज्यादा देंगे तो भविष्य में बच्चों को कम समझ आएगी, कम प्रॉब्लम आएगी, वो थोड़ा आसान समझेगी। ये मैंने इससे रिलेटेड बात भी बोली। योगेश जी बहुत देर से हाथ खड़ा करेंगे, योगेश जी यहाँ फरमाए थे। योगेश जी योगेश जी ये योगेश जी आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है, अब चेहरा नहीं दिख रहा। अब तो दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस लो जो पूरा दिखाई दे चेहरा। इसमें हो सकता है ईयरफोन में शायद कोई मिस्टेक आ गई हो। आवाज अब क्लियर आ रही है क्या? बिल्कुल सही आ रही है। कोई बात नहीं, चेहरा तो सबने देखा हुआ है, आवाज जरूर आनी चाहिए। तो अगर चेहरा अगर नहीं आ रहा है मगर आवाज क्लियर आ रही है, सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन और आप सब लोगों ने इससे मैं जो भाग ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में बहुत दिनों बाद में अपने साथी चेहरे और साइंस पर या विज्ञान पर सॉरी गणित पर कुछ बातचीत हो रही है, बाकी घर में ऐसे ही बोर बैठे हुए कि क्या करें। अब मैं आता हूँ यहाँ पर जो आपका टॉपिक है कि आप ये कह रहे हो टॉपिक को कि बच्चे गणित से डरते क्यों हैं। मैं इसको उल्टा मान रहा हूँ कि बच्चों को गणित से डराते क्यों हैं। हमने एक माहौल बना दिया है, आप देखिए किसी घर के अंदर देखिए, अगर कोई परसेंटेज पूछता है तो बोलता है कि तुम्हारे मैथ्स में अच्छा कितनी परसेंट आई, 90%। मैथ्स में कितने नंबर आए आपके, साइंस में कितने नंबर आए, इंग्लिश में कोई और सब्जेक्ट की नहीं पूछता, वो कहता परसेंटेज तो बन गई लेकिन आप मैथ्स की साइंस की परसेंटेज बनाइए। यानी घर के अंदर बाहर के अंदर सब ये मानते हैं कि ये कठिन सब्जेक्ट है और आप इसको करना बड़ा भारी काम है। तो इसको कहते हैं हम बच्चों को अपने माहौल से डराना शुरुआत कर देते हैं। जब बच्चा विषय का ज्ञान रखता है कि हिंदी है, ये पर्यावरण है, ये गणित है, उस समय बच्चे को लग जाता है कि टीचर जो कह रहा है या माहौल माँ बाप कह रहे हैं इसका मतलब है गणित वास्तव में बहुत कठिन सा। आवाज गई सर, आपकी आवाज रुक गई है। योगेश जी सर आपकी आवाज आ नहीं रही है सर। हेलो योगेश जी। हेलो। हाँ आ रही है। मैं अपना जो है
ये ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा नेटवर्क थोड़ा सही चलेगा है ना, तो मैं आवाज, तो इसमें मैं कहना चाह रहा था कि एनसीएफ 2005 उसको अगर हम ध्यान रखें साइंस और गणित के लिए, तो वो निश्चित रूप से कहता है कि हम बच्चों को केवल फैसिलिटेट करें, हम ये ना बताएं कि हम तुम्हें ये सिखा रहे हैं, तो बच्चों को चाहे साइंस हो चाहे मैथ्स हो उनको एक अवसर प्रदान करें। जबकि हम ज्यादातर टीचर हम लोग क्या करते हैं तो हम कहते हैं कि हम आपको सिखाएंगे, बच्चे जब सीखने को तैयार नहीं होंगे तो सिखाएंगे कैसे। तो वही आपके पास में एनसीएफ 2005 जो कहता है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बच्चों को माहौल के, जैसे हनुमान जी ने कहा, सोहन जी ने कहा कि हम बच्चों को एक अवसर दें, करने दें। जो बच्चा कोई गलती करता है इसका मतलब है वो सबसे ज्यादा गणित सीखने का प्रयास कर रहा है। अगर गलती नहीं कर रहा होगा तो फिर गणित कैसे सीखेगा। गलती वही करेगा जो कि कुछ प्रयास कर रहा है, सीखने का प्रयास कर रहा है। तो हमें उत्साह प्रोत्साहन देना चाहिए। अब तीसरी चीज आती है इसमें कि हमारे पास में टीचर्स की भी एक मजबूरी रहती है, और वो मजबूरी क्या रहती है कि उनका बच्चों का बैकग्राउंड है कि 6 क्लास में आ गया 5 में आ गया लेकिन वो उसको घुड़ा भाग नहीं आ रहे। ये नीतिगत निर्णय जो सरकार कर सकती है, ये भी इसमें एक बाधा है कि उनको अपना कोर्स पूरा कराना है, नहीं तो जो भी चेक करने के लिए आता है वो होता है आपने पढ़ाया कहाँ तक। तो इन चीजों पर विचार करने की जरूरत है। और एक मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 2016 या 17 में जब शिक्षक समारोह हुआ था, उस समय वसुंधरा जी ने इसी शिक्षकों के बारे में एक अपनी वृत्तांत सुनाया था खुद का। उसने बताया था कि मेरे को बहुत ज्यादा गणित से डर लगता है, और मैं गणित विषय जैसे ही किताब खोल के बैठी कि मेरे को नींद आने लगती या खेलने चली जाती, गणित की किताब आते ही सामने से मैं उसे भाग जाती। लेकिन जब उनके कोई ट्यूटर लगाया और ट्यूटर लगाने के बाद में जैसे उन्होंने पढ़ाना चालू किया, तो वो बता रही है कि शायद मेरे सबसे ज्यादा जो अंक हैं वो गणित में आने लग गए और मैं सबसे ज्यादा पढ़ाई गणित विषय में करने लग गई। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि एक शिक्षक ने इतने अच्छे तरीके से उनको पढ़ाया कि उनकी उसमें रुचि पैदा हो गई। तो एक शिक्षक और एक माहौल, ये दोनों चीजें अगर हम करें तो शायद बच्चे से जो डरने वाली बात है वो कम हो, और हमारा भी जो माहौल चल रहा है कि हम बच्चों को जो डराने का काम करते हैं शिक्षक नहीं करते हैं, लेकिन जो माहौल है उसको हम करें कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई कठिन नहीं होता है, कोई सरल नहीं होता। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे को सबसे ज्यादा जो कठिन विषय लगता है वो सामाजिक ज्ञान लगता है। क्यों लगता है? कि उस सामाजिक ज्ञान को उस तरीके से मेरे को पढ़ाया नहीं गया, नहीं पढ़ाया गया तो मेरे को लगता है इसको रटना पड़ेगा, इसलिए सबसे ज्यादा कम नंबर में सामाजिक ज्ञान में आते थे। तो ये हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा। और कई कुछ चीज है जो बाद में हम जोड़ेंगे, और सभी साथी, क्योंकि आप लोग गणित के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, मैं साइंस के बारे में कुछ जानता हूँ, लेकिन गणित के बारे में वास्तव में कठिन काम क्या है कि साइंस की चीज की तो हम करके बता सकते हैं बच्चों को तो वो देख सकते हैं, लेकिन गणित विषय इतना अमूर्त विषय है कि इसको आप करके नहीं बता सकते, तो इसको पढ़ाना बहुत कठिन है। और जो आप लोग काम कर रहे हो, वास्तव में मैं तो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से यही अनुरोध करूंगा कि आप जैसे जो गणितज्ञ हैं उनके द्वारा और भी निचले स्तर पर ऐसे शिक्षकों को काम को आगे बढ़ाया जाए जिससे कि बच्चों में जो डर है वो समाप्त हो। धन्यवाद। धन्यवाद योगेश जी ने और अभी साथियों ने जो बात कही है कि शिक्षक का बहुत ही अहम रोल है कक्षा के अंदर। उसको शिक्षक को यदि डर को ख़त्म करना है तो शिक्षक को बच्चों के स्तर पर उतरना होगा, उसको अपने व्यवहार से, अपनी भाषा से बच्चों के मन में एक ऐसा भाव जगाना होगा जिससे बच्चे बिना झिझक के अपनी बात को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपने प्रश्नों को शिक्षक के सामने रख सकें। मित्रता का व्यवहार, दरअसल ये कहना आसान है मगर जब हम क्लासरूम में सिचुएशन देखते हैं तो टीचर को ये डर लगा रहता है कि कहीं अगर मैं ज़्यादा इनसे घुल मिल गया तो कहीं ये बहुत ज़्यादा मेरे से पूछेंगे नहीं, मेरा रेस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मगर ये एक भ्रांति है शिक्षक के दिमाग की। शिक्षक जितना बच्चों के साथ मिलजुल कर रहेगा, बच्चे जितनी सहजता से पूछेंगे, और ये सहजता का माहौल ही है वो सिखाने में बहुत मददगार होता है। अगर बच्चे खुश हैं, अगर बच्चे सहज हैं तो उनकी सीखने की गति बढ़ जाती है। और हमें इस बात को सोचना भी पड़ेगा कि हमें पढ़ाने जाना है या सिखाने जाना है। जब हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में तो हम कोर्स को पूरा करके आ रहे हैं, मगर जब हम सिखाने जा रहे हैं तो हम एक उस भाव से आते हैं कि हाँ आज मेरा कोई उद्देश्य था और वो बच्चों ने सीखा।
क्योंकि नहीं तो ये स्थिति क्या होती है कि धीरे धीरे कक्षा एक से आठ जो बेसिक होता है समय सीखने का, वो समय गुजर चुका होता है और वो सारा तनाव आता है जब 9th-10th में बच्चे बोर्ड क्लास में आ जाते हैं। फिर वो अभिभावक के लिए भी टेंशन होती है, वो शिक्षक के लिए भी होती है, और वो देखता है कि अब मैं कैसे उत्तीर्ण कराऊं, तब ये कोर्स की सारी टेंशन होती है। तो जो प्राथमिक और जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं कक्षा एक से आठ, यहाँ पर शिक्षक का बहुत अहम रोल हो जाता है कि वो किस तरीके से सरल व्यवहार से, क्योंकि टीचर की भाषा, अगर एक बार टीचर ने डांट दिया तो टीचर के इस डांट से या व्यवहार से बच्चे भिदक जाते हैं। कितना ही अच्छा पढ़ाने वाला हो, बच्चे जुड़ नहीं पाते, सीख नहीं पाते। और यदि टीचर का सरल स्वभाव है तो उसकी हर बात जो है बच्चे बहुत अच्छे ढंग से सीख लेते हैं, पूछ लेते हैं। कहा भी गया है, कई बार मुझे ध्यान आता है कि शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे ओसधीर, एक शब्द करे घाव। तो रस घोलने वाला भी शब्द है और घाव पैदा करने वाला भी है। जिस तरह हम बड़ों को भी ईगो हर्ट हो जाता है, तो बच्चों का भी ईगो हर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे सुन लेते हैं तो उनके दिमाग में कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है कि चाहे वो गणित ही नहीं, वो अन्य विषय भी अगर पढ़ा रहा है, तब भी उसका भाव जो है वो बच्चों के साथ जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा हो, और उसी से बच्चे वो क्लास में सीख पाते हैं। और जहाँ तक बात है बच्चों की, हम अभी हालांकि जो योगेश जी कह रहे थे कि विज्ञान में क्रिया का भाव है, मैं कहता हूँ कि गणित में भी क्रिया बहुत जरूरी है। आप किसी भी टॉपिक को किस स्तर पर पढ़ा रहे हैं ये निर्भर करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये क्लास 1-5 में यानी कक्षा 4th-5 के बच्चे को समझाई जा सकती है, 6th-7th-8 को समझाई जाती है, 9th-10th को भी पढ़ाई जाती है, मगर तीनों जगह विधा अलग अलग हो जाती है। जब हम कक्षा 1-5 में अगर बात कर रहे हैं इसी बात को पढ़ाने की, तो हम बच्चों को केवल क्रियात्मक कार्य के माध्यम से, कोई सामग्री के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चा बिना कोई मापन के, बिना कोई सैद्धांतिक सूत्रों की पुष्टि के इस चीज को समझ ले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ, क्योंकि उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती है, बाकी बातें नहीं तो थ्योरिटिकल होके रह जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास देखिए, मैं आपको ये दिखा देता हूं कि चार ये ट्रायंगल हैं, ये त्रिभुज एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में देखिए, मैंने ऊपर लाल रंग का कलर कर रखा है कोना जो इसका है, नीचे की भुजा इसकी लाल रंग की है, इधर इसकी ये जो भुजा है ग्रीन कलर की दे रखी है, तो इसके सामने का कोना जो कोण है वो ग्रीन कलर का है, और इधर भुजा नीले रंग की है, तो इसके सामने की जो भुजा कोण है वो नीले रंग का है। मैंने चार त्रिभुज लिए एक जैसे, ये बिल्कुल चारों सर्वांग सम है। सर्वांग सम से आप समझते हैं कि एक दूसरे को ढक ले, यानी जिसके सभी अंग समान हो वो सर्वांग सम है। अब इस बात से ये जो चार आकृतियां हैं, तो हम ये कहेंगे कक्षा 1-5 के स्तर पर हम ज्यामिति के जो गुणधर्म है जिनको हम बताते हैं बच्चों को, बहुत सारे गुणधर्मों को बिना किसी सूत्र सिद्धांत के, बिना किसी मापन के इनको बताया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे मैं पानी की सहायता से इसे यहां चिपका सकता हूं। जैसे आप ये देख रहे होंगे, अगर हम यहां पर देखें तो इस त्रिभुज में हम देखें कि जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी है, और जो सबसे छोटी भुजा है उसके सामने का कोण भी सबसे छोटा है। सबसे छोटा कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी है, सबसे बड़ी भुजा के सामने के सबसे बड़ा कोण है। तो जो बात हम भुजा और कोण की कहते हैं वो यहां पर बताई जा सकती है। मैं थोड़ा इसे और, अब इसके साथ मैं अगर देखिए इसी तरह के त्रिभुज को और यहां पर इस तरह जोड़ सकता हूं, जगह शायद छोटी पड़ेगी मुझे, किस तरह लेना पड़ेगा। बोर्ड पूरा सामने नहीं आ रहा है सर, बोर्ड थोड़ा ऊपर कीजिए। यस, अब ठीक है।
अनम्यूट करें अपने आप को महेंद्र जी। महेंद्र जी सर अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक। अब आप ये देखिए। हाँ अब आ रही है। हाँ कि ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर हरा भी आ रहा है, लाल भी आ रहा है, नीला आ रहा है, यानी ये जो त्रिभुज के तीनों कोण थे वो तीनों कोण यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं और जो एक सरल रेखा में, तो हम ये कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने देखा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर है, ये त्रिभुज की ये जो बिंदु है इस पूरी भुजा का मध्य बिंदु है, ये बिंदु इस पूरी भुजा का मध्य बिंदु है, ये पूरी भुजा का मध्य बिंदु है। हम ये कहें कि जो बीच में बनने वाला त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है ये पूरी आकृति का चौथाई है। तो जो हम कहते हैं कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथाई होता है। हम ये कहें कि त्रिभुज में दो भुजा है, एक भुजा ये ले ली, एक भुजा ये ले ली, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये और ये दूरी बराबर है, ये दूरी और ये बराबर है, तो ये जो दूरी है ये इसकी आधी होगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि अगर ये त्रिभुज ले लिया जाए, इसका ये अंतः कोण है, ये अंतराभिमुख कोण है, ये इसके बहिष्ठ कोण है, तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अंतराभिमुख कोणों का योग बहिष्ठ कोण के बराबर होता है, वो इससे सिद्ध होता है। तो बहुत सारे त्रिभुज के और यदि इसे हम हटा दें तो त्रिभुज के और चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो किसी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजा बराबर, सम्मुख कोण बराबर, किसी समांतर चतुर्भुज में अगर हम ये देख रहे हैं अगर एक विकर्ण खींच दिया जाए तो दो सर्वांग समत्रिभुजों को बांटता है। हम ये देखते हैं कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, एक त्रियक रेखा काट दी जाए तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कहने का आशय मेरा यह है कि इससे बहुत सारे इस तरह के जो प्रमेय हैं जो हम बड़ी क्लास में सेकेंडरी लेवल पर जिनको हम सिद्ध करवाते हैं विश्लेषण संश्लेषण विधि के माध्यम से दिया है सिद्धांतों से करते हैं, पर इनको अगर प्राथमिक क्लास में छोटी कक्षा में अगर इन गुणधर्मों को आकृतियों के माध्यम से समझा दिया जाए तो बच्चे की समझ बहुत अच्छे से बन जाती है। और बच्चों की आदत होती है करके देखना, बच्चे स्वयं अनुकरण करते हैं, अभ्यास करते हैं तो उनकी समझ अच्छे से बन जाती है। यही कार्य जब हम कक्षा 6-7-8 के लेवल पे है तो विभिन्न आकृतियां देके कोणों का मापन करवा के और मेजरमेंट के माध्यम से इनकी पुष्टि करवा सकते हैं, जिसे हम प्रायोगिक विधि भी कहते हैं। तो प्रयोग करके सीखना, तो शिक्षण सामग्री का जो प्रयोग है वो प्रयोग यदि किया जाए, क्रियात्मक कार्य किया जाए तो उसका उपयोग करने से बच्चों की समझ बन सकती है। दूसरा, हालांकि मेरे पास अभी एक वीडियो है यहाँ, पता नहीं इसमें चल पाएगा, देखता हूँ अगर हो जाए तो इसमें उसके माध्यम से भी अभी मैं प्रयास करूंगा कहीं आगे की। एक प्रयोग छोटा सामने किया था जो ट्रेनिंग चल रही थी जामडोली में, कि उस जामडोली की ट्रेनिंग के दौरान देखा था कि जो एक ही ऊंचाई और त्रिज्या के हमने दो, एक सिलेंडर और यानी बेलन और एक हमने शंकु बनवाया और वहां मैदान में ले जाकर हमने मिट्टी से 3 बार भरकर उस शंकु के अंदर भरवाया। तो टीचर्स ने सबने करके देखा इस चीज को कि हाँ जो हमारा बेलन है वो पूरा पूरा भर गया। तो उससे जो बात हम एक तो थ्योरिटिकल कहते हैं कि भाई बेलन का जो आयतन है वो शंकु के आयतन का 3 गुना या शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है यदि उनकी त्रिज्या और ऊंचाई समान हो। तो एक तो हम थ्योरिटिकल कहते हैं तो बच्चा रटता, एक यदि इसको क्रियात्मक रूप से कार्य करके दिखा दें तो उसको आजीवन वो चीज याद रहेगी और वो संबंध भी उसे समझ में आ जाते हैं। तो क्रियात्मक कार्य जहां तक हो सके, गणित में भी हम देखते हैं वस्तुओं का उपयोग, सामग्री का उपयोग, क्रियात्मक कार्य, ये ऐसे तरीके हैं जिससे शिक्षक और बच्चों का जो संवाद भी होता है, वातावरण सहज भी होता है और उनकी समझ बहुत अच्छी बनती है। और जो कई बार हम कहते हैं कि मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे तो ये केवल सैद्धांतिक शब्दावली नहीं रह जाए, इसका प्रयोग भी हो तो वास्तव में बच्चों की समझ बहुत अच्छे से बनती है। आगे और कोई साथी अपनी बात कहना चाह रहे तो अपनी बात रखें। जो साथी कोई अभी अपनी बात नहीं रखी है वो अपनी कहना चाहे तो कृपया
उनका स्वागत है। वो ये ना सोचें कि कुछ लोग ही बोलेंगे और वो अपनी बात नहीं रख सकते। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने जो भी पक्षागत या विद्यालय के जो भी अनुभव हैं जो गणित से जुड़े हुए हैं वो अपने अनुभवों को शेयर करें, क्योंकि उनके अनुभवों से हम साझा अनुभवों को शेयर करने का ये मंच है कि एक दूसरे के अनुभवों से ही हम सीखते हैं। जो हमारी समझ बनती है और बनेगी वो ये वैचारिक आदान प्रदान से ही होगी। तो सर मैं मुरलीधर में भी कुछ विचार रखना चाह रहा हूँ। जरूर मुरलीधर जी, जरूर। हाँ सर, अभी समूह में जिस तरह की बातें हो रही है वह बड़ी कक्षाओं से संबंधित बातें ज्यादा हो रही है, और मुझे लगता है कि गणित की जब नींव ही कमजोर रह जाती है तो आगे बच्चों को समस्याएं आती ही आती है। तो गणित में अगर प्राथमिक स्तर पर ठीक से बच्चों के साथ काम कर लिया जाए तो हो सकता है आगे अपर प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पर उनको बहुत कम समस्याएं आए। तो अभी विद्वान साथियों ने काफी अच्छे विचार रखे हैं गणित में किस तरह से बच्चों को एक भय लगने लगता है, उसमें जिस तरह की बातें आई उसमें एक तो कक्षा कक्ष का वातावरण या स्कूल का वातावरण है, बच्चों के साथ संवाद, उसमें बहुत ही अहम रोल रखता है। और दूसरा शिक्षक के पढ़ाने के तरीके भी गणित को भय वाला विषय बना देते हैं या भय रहित वाला विषय बना पाते हैं। तो पढ़ाने के तरीकों पर बहुत कुछ निर्भर करता है और शिक्षक का व्यवहार बच्चे के साथ कैसा है ये तो कर उसमें जुड़ा हुआ ही है। दूसरा अगर शिक्षक ये मानेगा कि मुझे हर बच्चे को सिखाना है तो उसका नजरिया पढ़ाने का तरीका स्वतः ही बदल जाता है। लेकिन अगर ये भावना हो कि मुझे तो पुस्तक पूरी करवानी है या कोर्स पूरा करवाना है या मेरी जिम्मेदारी कालांत से पढ़ा के कोई दूसरा काम करना है, बच्चे सीखे या न सीखे लेकिन मुझे तो सिर्फ पढ़ाना है, अगर इस भाव के साथ पढ़ाता है तो उसका पढ़ाने का तरीका स्वतः ही बदल रहा होता है। तो एक तो जिस भी शिक्षक ने ये विचार रखे बच्चों के साथ शिक्षण करवाया कि मुझे हर बच्चे को सिखाना है तो उस कक्षा के बच्चे सीखते ही सीखते हैं। ये मेरा कई सारे स्कूलों में जाने का मुझे वास्ता पड़ता है और बच्चों के साथ बात करता रहता हूँ तो वहाँ शिक्षक उसी कक्षा के बच्चे होशियार होते हैं जिस कक्षा का शिक्षक ये इस भय के साथ पढ़ा रहा होता है कि मुझे हर बच्चे को सिखाना है। दूसरा उस सिखाने में जब वो कोई शिक्षक ये मान लेता है कि मुझे हर बच्चे को सिखाना है तो वह कक्षा कक्ष में गतिविधियां भी करता है, TLM का उपयोग भी करता है और बच्चों के साथ अच्छे रिश्ते भी बनाता है और कक्षा कक्ष तक ही अपनी कक्षा नहीं रखता, वो लंच में भी बच्चों के साथ गणितीय बातें करता रहता है या छुट्टी के बाद भी, स्कूल शुरू नहीं होता उससे पहले भी बच्चों के साथ इस तरह की बातें वह सतत कर रहा होता है ताकि बच्चों का भय भी निकले और उससे उसके साथ एक सरल और सहज बने। दूसरा ये है कि मैं जैसे एक उदाहरण लें कि कई सारी जगह जब मैं जाता हूँ और बच्चों के साथ बात भी करता हूँ, जैसे परिमाप का ही उदाहरण लें, अब परिमाप पर बच्चों से बात करते हैं कि भाई परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं तो बच्चे बताएंगे 2 ब्रैकेट लंबाई दें चौड़ाई। जब उनसे कहता हूँ कि भाई आपका जो कमरा है ना, कमरे का जो पर्स है इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं क्या आप फीट में, तो बच्चे चकरा जाते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे क्योंकि उनको लंबाई नहीं बताई मैंने, उनको चौड़ाई नहीं बताई मैंने। अब जब लंबाई चौड़ाई उनको दे दे तो उसको तो वो सूत्र में फिट कर लेते हैं, लेकिन जब उनको ये नहीं देंगे तो उनमें ये इस तरह ये नहीं आता उनमें विचार कि मैं मेरा पैमाना लेकर इसको नाप लूं और चारों तरफ की लंबाई है वही परिमाप है, लेकिन उनको सिर्फ सूत्र के आधार पर बताया जा रहा होता है। तो एक तरह से क्या होता है कि प्रोग्रामिंग थ्योरी बच्चों के सामने ला रहे होते हैं कि एक प्रोग्राम बता दिया, एक सूत्र बता दिया और सूत्र में दिए गए आंकड़ों को फिट करके और वो मालूम कर लेते हैं। लेकिन जहाँ कुछ जगह बैंकिंग थ्योरी यानी रटने पर जोर होता है कि गिनती रटवा दिया और गिनती रट लेगा उसमें मान लेंगे कि मेरे बच्चे गिनना सीख गए, लेकिन जब उनसे कहते हैं कि 28 के अंदर 2 की कीमत ज़्यादा है या 8 की, तो 8 की कीमत ही ज़्यादा बताएंगे, लेकिन उनको कहते हैं कि 28 में 10-10 के कितने बंडल है तो वो नहीं बता रहे होते हैं, लेकिन उनको रटवा दिया। तो अगर रटवाने पर ही जोर होगा और पूरे आयामों को समझाने पर जोर नहीं होगा तो वहाँ बच्चों को आगे धीरे धीरे वो जो कमियां हैं, जो हायरार्की है उसमें जो गैप इतने हो जाते हैं कि आगे जाके बच्चों को वो विषय बहुत ही खराब और बेकार लगने लगता है। तो यहाँ मैंने उन बच्चों के साथ जब परिमाप पर बात कर रहा था अभी पहले, तो परिमाप पर जब उनसे फिर पैमाना लिया कि अपना पैमाना निकालो अपना नाप कर देखो, और जब इस तरह से 4-5 बार किया कमरे का, फर्श का, टेबल का, सामने बोर्ड का और अपने बरामदे का नपवाया तो बच्चों को अच्छा भी लगा और बच्चे धीरे धीरे सहज हो गए और उनको लगा कि परिमाप चारों तरफ की जो लंबाई है उसका नाप, वह नाप ही परिमाप है, और धीरे धीरे फिर उसको आगे सूत्र की ओर बढ़ गए।
तो यहाँ एक यह है कि जो अभी सर बता रहे थे क्रियात्मक कार्य जब बच्चों के साथ हो रहा होता है तो बच्चों को यही नहीं लगता कि मैं कोई विशेष विषय सीख रहा हूँ, यह है कि अपने गणित सीख रहा हूँ, लेकिन ये उस क्रिया के तहत ही हो तो उसको ये भारी नहीं लगता, बोझ नहीं लगता। तो अगर आप परमिशन दें तो मेरे पास एक वीडियो भी, एक शिक्षक का ही वीडियो है, छोटी कक्षाओं का ही है, और उस कक्षा का ये है कि उसमें हर बच्चा उसकी कक्षा लेवल का समझ रखता है गणित, और वहाँ कक्षा का जब देखते हैं जाकर वातावरण देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को डर नहीं है, बहुत जिज्ञासु है, बहुत सवाल करते हैं, और शिक्षक भी उनके साथ बहुत क्यों लगाता है हर चीज़ पर कि 28 है, 28 में कितने 10-10 के बंडल खुले मिलकर 28 बनेंगे, ये 10-10 के दो ही बंडल क्यों आए इसमें, कई जगह उसमें सवाल लगाता है। तो जहाँ चाहे कक्षा छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन ये उत्तरी क्यों आए, आपने ऐसा क्यों लिखा आपने, और जब इस तरह के सवाल लगाते हैं तो बच्चे अमूर्त में सोचते हैं, क्यों गणित मूर्त तो अमूर्त ही है, लेकिन वो अमूर्त में मूर्त के साथ मिलकर ही अमूर्त में जाती है छोटी कक्षाओं विशेषकर। तो मेरा कहने का तो यही है कि गणित का भय अगर इस तरह छोटी कक्षाओं में उनके साथ अच्छे से कार्य करवाया जाए तो हो सकता है कि धीरे धीरे उस विषय उसको भय वाला विषय न लगकर एक सहज सामान्य सहजता के साथ उसको सीखता जा सकता है। तो एक वीडियो है, 2 मिनट उसको देख सकते हैं अपन कि किस तरह से मैं कोशिश करता हूँ देखे इसमें लाने की, अगर दिखा सकता हूँ तो उसमें गुरुजी बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं। तो सर दिख रहा, आवाज आ रही है क्या सबके पास? हेलो, नहीं नहीं आ रही, आ रही आ रही सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है क्या? आ रही है, ये बात तो मैंने बंद कर दिया, आपकी आवाज आ रही है सर मेरी? नहीं, वीडियो दिख रहा था क्या? वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो भी अब दिख रहा है लेकिन अभी रनिंग नहीं हुआ है। अच्छा, तो मैं वापस चालू करता हूँ उसको। गली शोर मत करो। तो वीडियो आ रहा है कि स्क्रीन के ऊपर? नहीं आ रहा है सर। महेंद्र जी सर, हेलो, हेलो, हाँ जी, वीडियो आ रहा है कि स्क्रीन के ऊपर? नहीं, अभी तो खुली नहीं है, तो केवल आपके वो फोल्डर दिख रहे हैं, खाली फोल्डर दिख रहे हैं। तो चलो ठीक है सर, इसमें कुछ मिस्टेक है तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं रहने तो। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे मुझे तो यही कहना था, आगे कोई और साथी अपनी बात रखें। आप अपने शेयर मोड से एग्जिट हो तो बाकी लोग दिखेंगे। हेलो, हेलो मुरली जी, आप जरा एग्जिट हो जाइए पहले। अच्छा, मैं एग्जिट हूँ क्या? ये जो स्क्रीन पर है ना, स्क्रीन पर अभी आपका फोटो नहीं आ रहा है, अभी वही लैपटॉप आपका शो हो रहा है। हेलो, तो लैपटॉप को ये स्क्रीन है इसको एग्जिट होइए। हाँ, आप ठीक है। हेलो, 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 हाँ जी, आवाज आ रही है? जी सी खंडेलवाल बोल रहा हूँ सर, गोपीचंद खंडेलवाल, बालिका स्कूल सोडा, HM। आज बताएं सर। सबसे पहले तो सबको नमस्कार है मेरा, और मैं अभी जुड़ा हूँ इसमें। हेलो, हाँ बताएं सर। मेरा कुछ थोड़ा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो आपके सामने बताना चाहता हूँ।
हेलो आवाज कम आ रही है सर? हेलो हेलो आवाज कम आ रही है? वो बिलाल जी आपकी आवाज आ रही है लेकिन धीरे धीरे आ रही है। हाँ तो मैं जोर से बोलूँ क्या? हाँ 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 ठीक है आ रही है बोलिए। मेरे व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ सर गणित के बारे में। हेलो बोलिए आपकी आवाज आ रही है बोलिए। मैं क्या है कि शुरू शुरू में जब मेरे को स्कूल में दाखिला दिया था मेरे अभिभावकों ने माता पिता ने तो अगर पाँच तक है मेरी कह रहा हूँ कि स्थिति गणित विषय में बहुत ही ज़्यादा खराब थी और मेरे को गणित विषय में पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता और आज में कक्षा छः में उस स्कूल में ट्रांसफर हो गया मेरा। हेलो बोलते जाइए आप। हाँ तो फिर कक्षा छह में मैं जैसे ही मैंने एडमिशन लिया तो क्या है कि मैं भयभीत था गणित विषय के बारे में और मेरे प्रथम टेस्ट में जीरो नंबर आए, द्वितीय टेस्ट में जीरो में एक नंबर आया और आखिर में जाके मैं सप्लीमेंट्री आ गया कक्षा छह में और उसके बाद में फिर मैं भयभीत रहा। मेरे घर वालों को भी मैंने नहीं बताया भाई सप्लीमेंट्री आ गया। दोबारा कैसे तैसे करके मैंने परीक्षा पास कर ली कक्षा छः। उसके बाद में कक्षा सात में मेरे को घर पे बताना पड़ा कि भाई इस प्रकार से मेरी स्थिति गणित में बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेरे को 15 रुपये महीने में 1977 में क्या एक गुरुजी से मेरे को कोचिंग दिलवाई गई और उन्होंने क्या नाम से मेरे को भय से मुक्त किया और कुछ ऐसी टेक्निक से तकनीकी से उन्होंने मेरे को पढ़ाया तो मेरी उसमें रुचि बहुत ही अच्छी बढ़ गई और आखिर में जाके 1980-81 में मेरे 10वीं में 7वीं में 8वीं में 9वीं में मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ और 50 में से मेरे 48 नंबर आए गणित में। तो ये है कि इसको गणित से सबको डर लगता है, बच्चों को शुरू में नाम भी डरा देते हैं तो मेरी तो इसमें मेरा ये मानना है कि किसी भी बच्चे को अगर अपन पढ़ाएं तो सबसे पहले तो उसके स्तर से शुरू करना चाहिए। तो है पहली क्लास का स्तर था मेरा तो छठी क्लास में मैं फेल हो गया कैसे तैसे करके पास हो गया और कक्षा सात से मेरे को उन्होंने शुरू से लिया मेरा स्तर कक्षा एक से तो मैं आगे जाके कवरअप कर लिया मैंने। एक यह है भयमुक्त होना चाहिए और बच्चों को उसके क्या नाम से IQ के अनुसार या उनके स्तर के अनुसार ग्रुप में बैठाना चाहिए अपन को कक्षा में। और एक बात है कि रचनात्मक कार्य भी करवाने चाहिए, क्रियात्मक कार्य भी करवाने चाहिए और यह है कि बारंबारता का भी होना चाहिए इसमें कि क्योंकि बार बार हल करवाना चाहिए क्योंकि पुराने सूत्र वगैरह इनको सब भूल जाते हैं ना, इसलिए उनको रटवाना या बार बार में उनको याद दिलाना चाहिए। और अच्छी शिक्षण विधियाँ एक टीचर को अपनानी चाहिए, TLM वगैरह, तब जाके क्या है कि बच्चा भयमुक्त हो जाएगा और वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है जो मेरे साथ हुआ है। जो कक्षा छः तक तो मैं जीरो नंबर पर था और कक्षा दस में जाते जाते 50 में से मैंने 48 अंक प्राप्त किए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहे? जामडौली के जो मंगल साहब हैं उनका हाथ उठ रहा था काफी देर से। मंगल जी कहीं हैं तो बात कीजिए। डॉक्टर सतीश मंगल जी नमस्कार सर। हाँ जी बहुत सारी बातें तो अभी आप लोगों ने रखी हैं। पूर्व ज्ञान से अपन नवीन ज्ञान की ओर चले। मेरा यह मानना है कि सबसे पहले जो दो कंसेप्ट हैं, एक तो है डायग्नोस और दूसरा है रेमिडियल। अधिकांश स्कूलों में जो देखने में आया है वो हम रेमिडियल की बात बहुत करते हैं, उपचार की बात बहुत करते हैं। एक डॉक्टर सीधा उपचार करेगा, जब तक डायग्नोस नहीं करे, निदान नहीं करे, तब तक समाधान जो करेगा वो गलत करेगा। इसलिए सबसे पहले बच्चे का जो कहाँ कहाँ गणित में कमजोरियाँ हैं
उन कमजोरियों की हमें तलाश करनी होगी, और यदि हमें कमजोरी का पता लग जाता है तो फिर हम उपचार की बात कर रहे हैं, हम रेमेडियल की बात कर रहे हैं। अब रेमेडियल है वो कई सारी जो हमारी अच्छी विधियां हैं, मेथड्स हैं, उनके द्वारा अपन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण अभी बीच में आ रहे थे कि खेल खेल के माध्यम से सिखाना। अपन को ध्यान है जब अपन अपने बचपन में बहुत सारे गणित के खेल खेला करते थे तो हमारी कहीं ना कहीं अंक गणितीय योग्यताएं, बीज गणितीय योग्यताएं मजबूत हुई हैं। तो खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाए। और एक और बहुत जो एक अच्छी तकनीकी हमारे बीच में आई है वो है कोऑपरेटिव लर्निंग। बच्चे अपने संग साथी के साथ ज्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि गुरुजी से तो वो हिचकिचाते हैं, अपनी बात को प्रॉपर ढंग से कह नहीं पाते हैं। लेकिन यदि संग साथी के माध्यम से बच्चा सीखता है तो बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट वर्क, ऐसे कुछ कार्य अपन तैयार करें और उन बच्चों के बीच में रखें, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी योग्यता होती है। और किसी में चित्र बनाने की योग्यता होती है, किसी में गणना करने की योग्यता होती है, किसी में कोई सिस्टमेटिक ढंग से काम करने की योग्यता होती है। योग्यताएं बच्चे आपस में सीख सकते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का है, आजकल अपन उसकी भी बात करने लगे हैं, ब्रेन स्टोर्मिंग की। तो कहीं ना कहीं क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जो सबसे ज्यादा बौद्धिक क्षमता का विकास करता है, तो ब्रेन स्टोर्मिंग का अपन उपयोग करें। समूह की बात करें अपन, इंडक्टिव डिडक्टिव की अपन बात करते आए हैं, लेबोरेटरी की बात करते आए हैं, प्रोजेक्ट की बात करते आए हैं। तो अभ्यास कार्य प्रॉपर ढंग से अपन बात करें। रेमेडियल से पहले अपन जो है बात करें तो वो डायग्नोस की बात करें, अभ्यास प्रैक्टिस की बात करें। सपने तो आप सभी ने देखे होंगे, बहुत अलग अलग तरह के आप सपने देखते होंगे। तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसमें एक छोटा सा बच्चा था जो आपकी तरह बहुत सारे सपने देखता था, कभी आसमान में उड़ने के तो कभी नदी में जाने तक के सपने देखता था। तो आज की कहानी का नाम है, साथी के यहाँ से अलग आवाजें आ रही है। तो एक छोटा सा बच्चा था बिल्कुल आपकी तरह। कोई वीडियो चल रहा है क्या? कोई अब वो वीडियो अब चल गया उनका, वो जो उस समय दिखा रहे थे ना अब चल पड़ा। तो उसके माता पिता काम करने चले जाते थे और वो दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं है सर, मेरे यहाँ से कुछ नहीं चल रहा। और उसके बाद जलाने के लिए लकड़ी बटोरने, मेरे यहाँ से कुछ नहीं चल रहा है, किसी और साथी के वहाँ से चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो कृपया साथियों से जिसके यहाँ की जो आवाज आ रही है तो इसे या तो म्यूट कर ले, जिससे दूसरे साथी जो डॉक्टर सतीश मंगल जी अपनी बात कहना चाह रहे हैं वो अपनी बात पूरी कर पाए। दिखाई दे, जिनके यहाँ भी आवाज आ रही है वो म्यूट कर ले। मैंने म्यूट कर दिया, हो गया। ठीक है, हाँ सतीश जी मंगल सर। जी सर, तो PLM का अपन उपयोग करें। और मेरा शिक्षक साथियों से यह निवेदन है कि यदि हमें गणित को आसान बनाना है, सरल बनाना है, तो हम सीधे जाते ही पढ़ाना गणित विषय को शुरू ना कर दें। क्योंकि अभी महेंद्र जी सर ने भी कहा था कि भाई वातावरण का निर्माण बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्लास में जा करके हम वातावरण का निर्माण करें, गणितीय वातावरण का निर्माण। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से कहीं बाहर विचरण करने गए होते हैं। उन बच्चों को सबसे पहला काम है, हमारा दायित्व है, ड्यूटी है कि उन्हें क्या कराए मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से तो बैठे हैं, फिजिकल तो बैठे हैं वो, लेकिन मानसिक रूप से बैठे हुए नहीं होते। और हमारे गुरुजी जब आधा सवाल कर लेते हैं तो बच्चे जब मानसिक रूप से आते हैं तो सवाल समझ में नहीं आता, और जब गणित का सवाल बच्चों के समझ में नहीं आया तो आगे की गणित भी उसे बच्चे को क्या लगने लग जाती, कठिन लगने लग जाती है। तो गणितीय वातावरण का निर्माण हम करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कार्य पर अपन बल दें, डायग्नोस निदान की अपन बात करें, निदान करने के बाद ही हम उपचार करें। क्योंकि आमतौर पर हम सबको एक ही इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं तो एक तो ठीक हो जाता है लेकिन दूसरा और जाता है। सब बच्चों को अपनी अपनी अलग अलग बीमारी हो सकती है, उन बीमारियों को ढूंढें, जाने पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान, समूह चर्चा, कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रोजेक्टिव बेस्ड एजुकेशन, इनके अपन बात करें। और व्यवहारिक जो बच्चे का विषय वस्तु संबंधी ज्ञान है उसके व्यवहारिक जीवन से जोड़ें, तो मुझे लगता है कि निसंदेह हम जो गणित आज बच्चों को कठिन लग रहा है
ट्रांसपेरेंसी एडवांस में बात करी है, बच्चे गणित में उसके कारणों को हम जाने, कारणों को जानने के बाद ही हम उसके उपचार की बात। चलिए, आपने मुझे एक अवसर दिया बोलने का, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सतीश जी। सर, अभी सतीश जी सर ने जो बात उठाई है बहुत ही शानदार बात है कि हमें बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ने की बात कही है और जो सहभागी लर्निंग की जो बात कही है, क्योंकि हम कई बार जब बीएड के जो शिक्षण सिद्धांत है, जब वहाँ हम बात करते थे कि जो इंट्रेक्शन की बात करते थे तो हम कहते कि टीचर और लर्नर के बीच होगा, लर्नर लर्नर होगा, लर्नर मटेरियल करेगा, पर जब वास्तविक कक्षाओं की स्थिति देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि केवल टीचर और लर्नर, यानी शिक्षक बोलता है और बच्चे केवल सुनते हैं, और लर्नर और लर्नर जो हम कहते हैं कि बच्चे आपस में समूह में काम को सीखें, सामग्री के साथ करें, अभ्यास करें, तो ये गतिविधि हमारे प्राय विद्यालयों में बहुत कम नजर आती है। और उसका कारण हमें कई बार लगता है कि उससे एक अनुशासनहीनता होती है, आवाज होती है, तो हमारे को ये भी विचार करना पड़ेगा कि अनुशासनहीनता के क्या मायने हैं, क्या बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो उससे उनकी लर्निंग बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। समूह में कार्य करने से जो बात अभी साहब मंगल जी ने कही है कि बच्चे कई बार टीचर से बात नहीं कह पाते, पूछ नहीं पाते, मगर उनमें से ही बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षक की बात को एक बार में समझ जाते हैं और वो अपने साथी को बहुत अच्छे तरीके से वो समझा देते हैं। तो ये एक अवसर भी है कि जिससे शिक्षक को टाइम मिलता है, लगातार उसे 40 मिनट बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वो जब काम देता है तो वो एक ऑब्जर्वेशन की भूमिका में होता है, एक मूल्यांकन करने की भूमिका में होता है, और वो देख सकता है किस बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है, उस समूह को वो मदद भी कर सकता है। तो हमें एक तो समूह सामूहिक के काम पे जो बात ध्यान दिलाई है वो उस पर जोर देने की जरूरत है, और एक बात जो उपचारात्मक शिक्षण की कही है कि जिस भी स्पेस में हमको ये लगता है कि अमुक विद्यार्थी इस स्तर पर कमजोर है तो हमें उसके उस स्तर को पहचान कर उसकी उस कमजोरी को दूर करना, जिसके लिए अतिरिक्त रूप से अभ्यास हो सकता है, अलग से उसे कोई कार्य गृह कार्य दिया जा सकता है, अलग से कोई मटेरियल प्रोवाइड करा के उसके ऊपर अभ्यास कराया जा सकता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी मुरलीधर जी ने प्राथमिक कक्षाओं की ओर ध्यान दिलाया हमारा, तो हालांकि यहाँ कक्षा का कोई भेद नहीं है, अपन जनरली बात कर रहे हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की बात है, पर अगर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक ही हमारा फाउंडेशन है, अगर नींव ही हमारी कमजोर है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम बड़ी कक्षाओं की बात करें तो कोई भी चीज हम सिखा नहीं पाते। पर अब टीचर को ये पहचानना होगा कि वो अपनी ताकत कहाँ लगा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जोड़ने की, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ जोड़ने का, कक्षा हम एक दो में देखते हैं कि वहाँ हम एक अंकों की संख्याओं को जोड़ते हैं, दो अंकों की संख्याओं को जोड़ते हैं, फिर तीन अंकों की संख्याओं को, फिर चार अंकों की संख्याओं को, फिर करोड़ तक की संख्याओं को, पर वास्तव में हम देखें कि किसी भी संख्या को जोड़ते समय कहाँ तक के जोड़ आने चाहिए। जब दो संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या 9, दूसरी संख्या भी 9, तो 9 और 9 18, 18 से कोई जोड़ बड़ा नहीं होता, उसके बाद तो हासिल चला जाता है। तो यदि बच्चों को क्या मेंटल रूप से, मौखिक रूप से बच्चों को ऐसा अभ्यास है कि हम यदि उससे कहें कि 7 और 8 कितने होते हैं, 6 और 7 कितने होते हैं, 9 और 5 कितने होते हैं, क्या वो मौखिक रूप से इसका जवाब दे पाता है? अगर बच्चे को 18 तक के जोड़ और 18 तक की बाकी अगर मौखिक रूप से बड़ी संख्या के जोड़ बाकी करें, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें ऐसे गणित के शिक्षक के रूप में सबसे पहले यह पहचानना पड़ेगा कि कौन सी चीज हमारी है वो मूल अवधारणा है, जिसके सिखाए बिना हम आगे की कक्षाओं की बात करेंगे तो हमें बार बार दिक्कत आएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें पहचानना होगा। इसी तरह हम बात करें चाहे गुणा की करें या भाग की करें, हम देखते हैं कई बार सवाल बड़ी बड़ी कक्षाओं में चले जाने के बावजूद भी बच्चे गुणा भाग में जोड़ बाकी में गलतियां करते हैं, और उसका प्रमुख कारण यही है कि उन बच्चों को अभ्यास नहीं है, कॉन्सेप्ट ये पता नहीं है कि कब गुणन की संक्रिया में या कब भाग की संक्रिया में हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। तो ये आवश्यकता है। संख्याओं को आपको ध्यान होगा कि जब गिनती भी सिखाई जाती थी तो हम जनरली गिनती सिखाते हैं 1 से 10, 11 से 20, 31 से 40, इस तरह सिखाते हैं।
क्या हम विचार करें कि गिनती हम 1, 11, 21, 30, 91 इस तरह से, यानी कि हमारा क्षतिज रूप से क्या हम गिनती का भी बच्चों को सिखाते हैं? क्या हम उल्टी गिनती का अभ्यास कराते हैं बच्चों को? अगर उल्टी गिनती का बच्चों को अभ्यास है तो गणित की गणना से संबंधित, गिनती से संबंधित, संख्याओं से संबंधित बहुत सारे चीजों को वो समझ लेता है। आरोही क्रम समझ गया, अवरोही क्रम समझ गया, छोटी बड़ी संख्याओं की समझ उसे पैदा हो गई। तो बच्चों को हमें ये देखना पड़ेगा कि हम बच्चों को किस तरह के अभ्यास दें। आप देखिए कि पहले टीचर जब पढ़ाते थे तो ऐसे छोटे छोटे सवाल वो घड़ा करते थे कि जिससे बच्चों को आनंद भी आता था और ये टीचर को समझ भी आ जाता था कि बच्चे की समझ पक्की हुई या नहीं हुई। जैसे गिनती के समय वो पूछता था, बताइए 77, 78, 69 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 77, 78, 69 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब बच्चे कई बार जल्दबाजी में जैसे वो बता देते हैं, प्राय सुनते हैं जबकि सीक्वेंस में चल रही है तो उनके मुंह से 69 निकलता है, मगर जब वो लिख के देखते हैं तो पता लगता है कि 77, 78, 69, 69 तो हमारा 6, 9 है, तो ये तो हमारी सबसे बड़ी संख्या नहीं हुई, ये तो सबसे छोटी संख्या हुई। तो हमें ये देखना है कि उन वाली संख्याएं हमें इसे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कब आती है, ये पहले आएगी या बाद आएगी। या कई बार कहा जाता था कि 1 से 100 की संख्याओं में बताओ 1 कितनी बार आएगा, 0 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। ये वो तरीके हैं कि जिससे बच्चे क्रियात्मक का खेल की चुनौती मिलती है और वो ढूंढते हैं और ढूंढ कर वो एक पैटर्न भी उनको मिलता है। आप अगर 1 से 100 तक की गिनती का चार्ट रखें तो आप इसे न केवल गिनती बल्कि आप इससे समांतर श्रेणी, बल्कि आप इससे औसत, बल्कि आप इससे कई गणित की अवधारणाएं वो आप इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। तो TLM तो हमारे आसपास ही बिखरा हुआ है, कोई ये वो कक्षा 1 का जो चार्ट है, कक्षा 2 का चार्ट है, उसको भी हम काम में लेके हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक उनका उपयोग कर सकते हैं। पर ये हमें इस बात को जो विचार करना पड़ेगा कि जो वातावरण की बात है, शिक्षक को सहज और ऐसा सरस वातावरण जो कक्षा कक्ष में है कि जिससे सवाल बच्चे कर सकें, अपनी जिज्ञासाएं अपने बच्चे अपने सामने रख सकें। और कभी कभी आप ये देखिए कि गणित का टीचर का मतलब ये नहीं है कि ऐसा एकदम मुंह चढ़ा के ही क्लास में जाए, हास्य रस की बात भी कर सकता है वातावरण को सरल सहज बनाने के लिए। जैसे कई बार हम पूछ लेते कि एक टीचर का एक जोक याद आ गया मुझे कि एक टीचर ने अपनी क्लास में बच्चे से वो सवाल पूछता था तो ऐसे सवाल पूछता था जिसका आंसर में और सवाल में कोई लिंक नहीं होता था। जैसे उसने एक सवाल पूछा कि भाई एक हवाई जहाज 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है तो बताओ मेरी उम्र क्या है। अब बच्चे सोचे कि ये क्या सवाल है, 500 किलोमीटर घंटे की चाल चल रहा है तो उम्र का क्या है। कक्षा में एक बच्चे ने जवाब दिया, सर मैं बताऊं? कि हाँ बता। तो कह जी सर 26 साल है, आपकी उम्र 52 साल है। 52 साल? तो टीचर ने कहा कि यार बिल्कुल सही है, पर तुझे कैसे पता लगा? कि जी मेरा बड़ा भाई 26 वर्ष का राधा पागल है। तो कई बार इस तरह के कुछ जॉब्स हैं जो हमें ये देखते हैं कि बच्चों को एक आनंददायी वातावरण दे देते हैं, एक सरस वातावरण पैदा करते हैं और उससे हमको ये लगता है कि थोड़ा कक्षा का वातावरण हमारा सहज बनता है। मेरी आवाज आ रही है क्लास में? बाकी लोग दिखाई नहीं पड़ रहे। हेलो, आ रही है सर? आ रही है सर? आ रही है आपकी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी। कि हम चाहे कोई सी बात हो, प्राथमिक स्तर की बात हो चाहे उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो, हमें बच्चों के साथ बहुत सहज तरीके से और बहुत ही आनंददायी तरीके से उनके साथ जब तो बच्चों की सीखने की गति बढ़ेगी। और बच्चों को अवसर चुनो कर देना करें, जल्दबाजी में सवाल के उत्तर न बताएं बल्कि बच्चों को मौका दें भले ही उनसे हो या ना हो, क्योंकि उत्तर आना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे सोचते कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा मुझे उदाहरण याद आता है कि एक घटना है, कहानी समझे आप इसे, कि एक किले के दरवाजे पे कोई एक सूत्र लिखा हुआ था और एक राजा ने घोषणा की कि कौन इस दरवाजे खोलता है, जो इस दरवाजे को खोल सकता है मैं उसे 1 लाख अशरफी इनाम में। गणितज्ञ आए और उन्होंने ये विचार किया कि उस सूत्र को पढ़ा जो वहां लिखा,
मगर वो उनके समझ में नहीं आया और लौट गए। पर इस घटना को बहुत सारे लोग देखते रहे, तो वहां एक गडरिया जो है वो भी वहीं पे एक बैठा था, तो उसने कहा कि मैं इस दरवाजे को खोलने का प्रयास करूं, तो उन्होंने कहा कि जब बड़े बड़े गणितज्ञ नहीं खोल पाए तो तुम इसे क्या खोलोगे, तो उसने कहा कि आप अवसर तो दो मुझे। उन्होंने कहा कि ठीक है, और उस गडरी ने जाके दरवाजे के धक्का दिया और दरवाजा वैसे ही खुल गया। तो कई जो लोग हैं, हम कई बार हम ये देखते हैं कि किसी भी समस्या को बहुत बड़ा मान लेते हैं और सोचता है पता नहीं इसमें क्या जटिलता होगी, पर कई सवाल कई समस्याएं बहुत आसान तरीके से भी हो जाती है, जैसा कि इस घटना से इस कहानी के माध्यम से। बच्चों को भी हम अवसर दें, कई बार बच्चे अपने तरीके बताते हैं और कई बार हमको पता लगता है कि हो सकता है बच्चे का तरीका ऐसा हो जो शायद हमारे तरीके से भी अच्छा हो, सरल हो, और ये अवसर देंगे जब भी उनमें गणितज्ञ कहीं कहीं निकलेंगे। ये नहीं है कि कोई परमात्मा ने गणित किसी के माथे पर लिख के तो भेजा नहीं है कि भाई ये गणितज्ञ बनेगा या ये सूत्र बनेगा। ये जो बच्चे हैं इनमें ऐसे बच्चों में अपार संभावना है, हमें धैर्य के साथ उनके साथ काम करने की आवश्यकता होगी, तो निश्चित रूप से बच्चे आगे बढ़ेंगे। साथियों को मैं और अपनी बात जो गणित से डरे नहीं और बच्चे गणित अच्छे सीखे वे अपने अनुभव को और शेयर करें साथियों से। अनुरोध इसमें साहब एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर। हाँ, दो चीज, एक तो जैसे पहले संदान से एक बात मुझे और अपने सुना रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है क्या? यस सर। हाँ, मैं बरसेड़ी ब्लॉक में गया था, वहाँ शिक्षा कर्मी का एक स्कूल था, तो मेरे को यही कंपैरिजन करना था कि जो सरकारी स्कूल है और शिक्षा कर्मी के स्कूल है, वहाँ के बच्चों के जो स्तर है उस शैक्षिक स्तर में कितना अंतर है। तो दो दिन मैं वहाँ पर रुका था और ये देखा कि शिक्षा कर्मी के बच्चे जो है आपकी प्रश्नों के अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं, और बशर्ते वो कुछ जवाबों के साथ साथ कुछ उदाहरण भी बताते थे। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि वहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहे थे वो टीचर आपके उनसे जो आप बता रहे हो कंकड़ों से, पत्थरों से, वस्तुओं से त्रिभुज बनाकर या अपने कमरे के आकार से चीजों से जोड़कर उन चीजों के कंसेप्ट क्लियर करते थे बच्चों के। देख, जबकि हम बरसेड़ी के सरकारी स्कूल में जब आए तो वो टीचर वहाँ पर कोर्स पूरा करा रहे थे, ऐसी स्थिति में वहाँ पर 25% बच्चे ही जवाब दे पा रहे थे। तो उसमें दो चीज निकल के आई, एक तो हमारा स्तर, हम इतना ज्यादा आरपीएससी से सिलेक्टेड लोग आ गए हैं तो वो उनके जो लेवल है वो बच्चों के लेवल पर नहीं ले जा पाते हैं, जो हमें ले जाना पड़ेगा। दूसरा क्रिया भाव, जो आप कह रहे हो कि जब तक हम क्रिया भाव नहीं करेंगे तब तक बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तीसरा, जो सर्वशिक्षा अभियान चला था उन्होंने सभी इंजीनियर्स को ये कहा हुआ था, सिविल बिल्डिंग जो बनती थी, कि आप गणित की ज्यामिति वाले जो कंसेप्ट को देखते हुए उनकी आकृतियां बनाइए। तो जो आपकी खिड़की दरवाजे बनाए जाते थे त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्गाकार, इस प्रकार की आकृति बहुत से स्कूलों में दी गई थी, लेकिन उसका दिक्कत क्या हुई कि वो बन गए, बनने के बाद में नए शिक्षक भी आ गए, लेकिन उन शिक्षकों ने उनका उपयोग करना उचित नहीं समझा या किसी कारण से नहीं कर पाए। तो हमारे जो पर्यावरण में हमारे सामने जो चीजें पड़ी हुई हैं, हम जैसे मैं मैथ्स में 92-93 में मैंने जब गणित पढ़ाया तो बच्चे जो आप बता रहे हो अक्ष के अक्षेज के बारे में एक्स वाई जेड क्या है नहीं समझ पाते थे। फिर जो है किसी दिन मैंने उनको बताया कि देखिए एक कमरे में ये जो आपके पास में एक अक्ष है, एक एक्स है जहां पर दो दीवारें मिल रही हैं, इसको हम एक्स मानेंगे, नीचे एक्स वाई मान लीजिए, ऊपर जेड मान लीजिए, तो बच्चों को बहुत जल्दी अच्छी समझ में आ गया। और तीसरी एक चीज बताऊंगा कि जब गणित हम पढ़ा रहे थे तो उस समय जो एवरेज, एक बार मेरे को मौका मिला चौथी पांचवी क्लास में वहां पर जाने पर, तो वहां पर कोई टीचर नंबर पढ़ा रहे थे तो लड़के ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हम वैसे ही कहा, उस समय गावस्कर, चेतन चौहान इनके नाम थे हमारे टाइम में, तो जब उनके नाम ले लेकर हम उनकी संख्या लिखते गए कि इन्होंने इतने रन बनाए, इन्होंने इतने रन बनाए, कि सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखने लग गए और जवाब देने लग गए। यानी कि आपको पढ़ाते समय आपके आसपास की चीजों को जोड़ना ही पड़ेगा, तभी बच्चे आपसे जुड़ेंगे और उनका चिंतन प्रक्रिया शुरू होगी। और क्रियाकलाप जब तक हम नहीं कराएंगे तब तक केवल हम कोर्स करा सकते हैं, हम उनको सिखा नहीं सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे योगेश जी।
आपने दैनिक जीवन का क्रियात्मक कार्य का तुलनात्मक अध्ययन का किया और हमको इनकी जानकारी दी और रोचकता का जो भाव है जो जोड़कर जो पढ़ाना है में वो आदेश है। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहे? जी सर नमस्कार सर, पीपी यादव। है जी, हेलो मिसेस पीपी यादव फ्रॉम गिरनौरी स्कूल। हेलो, हाँ बताए। हाँ जी सर, नमस्कार ऑल ऑफ यू, सारे सर महानुभावों को बहुत बहुत नमस्कार नमन। सभी लोगों ने जो बात की है टॉपिक को लेके कि मैथ्स जो है बच्चे क्यों डरते हैं, तो सभी ने ऑलमोस्ट सारी बातें कह दी है, उसमें बहुत सारी बातें क्लियर होती जा रही है। एक तो बात कही है कि सबसे पहले तो कंसेप्शंस होना चाहिए, बच्चों को अवधारणा विकसित नहीं होती है तो इसके कारण डर सबसे बड़ा होता है। सेकेंडली अगर हम प्लेबैक तरीके से बच्चों को ना सिखाएं ना तो उनका स्किल डेवलपमेंट होगा ना उनको बच्चों को आगे कभी प्रोग्रेस कर पाएंगे, तो ये भी एक डर सबसे बड़ी बात होती है। एज अ टीचर होने के नाते सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे टीचर से ही डरते हैं, मैथ्स के टीचर दिख जाए ना तो वैसे ही डरना स्टार्ट हो जाता है। तो मैथ्स का एक ये भी है कि सबसे पहले तो हमको अपने को बनाना है कि उनके लेवल के अकॉर्डिंग इंटरेस्टिंग हो जाए। सबसे पहले तो प्लेबैक तरीके से सिखाएं बच्चों को जहां तक हो सके, तो डेफिनेटली बच्चों में इतना ज्यादा वो हो जाता है, कॉन्फिडेंस जाता है कि चलो ये टीचर आए तो कम से कम डर तो नहीं है, मैथ्स का डर खत्म हो गया। पहले तो मैथ्स का टीचर देखकर ही डर जाते हैं, तो एक ये भी वाली बात आई है। एंड इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं बच्चों को पहले लेके के प्लेबैक तरीके से सिखाना, जैसे एक सर ने अभी बहुत अच्छा बताया कि हम सबसे पहले छोटी छोटी फेबल्स से क्यों नहीं स्टार्ट करें, क्यों नहीं हम छोटी छोटी चीजों को लेके काम करें तो बच्चे उस जगह पहुंचे कि वो कुछ अपने आप को इंटरेस्टिंग बना ले। और इसके अलावा रियल लाइफ सिचुएशन ऑब्जेक्ट से कैसे जोड़े, क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन टीएलएम जब से आया है अपने पास में ग्रुप डिस्कशन होने लगे और बच्चों का ग्रुप बनने लगा है, तो आज एक टीचर वो 200 क्या 400 क्या 1000 बच्चों को भी स्टडी लेवल पर पहुंचा देता है। और प्लेबैक तो बहुत ही अच्छा है, तो गेम की तरीके से अगर हमें ट्रायंगल ही सिखाना है तो इतने सारे ट्रायंगल बच्चों को खड़ा करके बना सकते हैं। पहले तो वो ट्रायंगल ही सीख जाएंगे कि वो त्रिभुज है क्या बला, वो शेप्स उनके हाथ पे हाथ रख के तीन तीन अगर बच्चों को खड़ा कर दिया जाए एक दूसरे के ऊपर, तो वाकई में वो बच्चे तीन जो बना रहे हैं तो त्रिभुज की अवधारणा उनके सामने आ जाती कि हम है क्या, और उनसे बोल के बताइए कि हाँ भाई हम त्रिभुज है। तो ये सर भी बता रहे थे कि वो बोर्ड पे बताया उन्होंने बहुत अच्छे से कि भाई किस तरह से 1/4 होता है और आधा कैसे हो जाता है, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी है। प्रैक्टिकल वेज तो बहुत जरूरी है क्योंकि साइंस में क्या प्रैक्टिकल बहुत होते हैं और मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, तो जितना हो सके प्रैक्टिकली अगर बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बच्चे सीखते नहीं है। और सबसे बड़ा डर का कारण ये भी हो जाता है कि बच्चे सीख नहीं पाते हैं। और प्रैक्टिस मोर इम्पॉर्टेंट, इतना ज्यादा करवाएं बच्चों को हर चीज में, अगर प्लस करा रहे कोई जरूरी नहीं कि प्लस बच्चा एक ही दिन में सीख जाता है, उसके लिए हमें काफी 1 वीक लगाएं। अगर हम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे उसको होमवर्क जब देते हैं क्यों नहीं हम होमवर्क देते, होमवर्क देना स्टार्ट करेंगे तो बच्चा प्रोग्रेस करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा और उसका डर भी खत्म हो जाएगा प्लस सीख जाएगा। माइनस की अवधारणा जब सिखाते हैं तो माइनस के लिए भी इतने क्वेश्चन बच्चों को दिए जाए कि माइनस की अवधारणा को क्लियर कर ले, और रियल लाइफ सिचुएशन से ही अगर जोड़ के करेंगे तो माइनस भी सीख जाता है। डिवीजन हो इनटू हो ये सब धारणा जब धारणाएं हो जाती है तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है और जो परिमेय संख्या रैशनल नंबर जो है आपके नेगेटिव इरेशनल नंबर है ये सब चीजों में पहुंच जाता है। लेकिन अगर हमारी ये न्यू परफेक्ट नहीं है तो हम बच्चों को कहीं ना कहीं से कुछ नहीं करवा सकते हैं और बच्चा डरता रहेगा जीवन भर डरता रहेगा। और आज की कंडीशन में बच्चे क्यों नहीं ज्यादा मैथ्स लेते हैं, अगर लिया भी है तो उनको इतनी ज्यादा नॉलेज क्यों नहीं है। एक बात ये भी समझ में आ रही, कई इंजीनियर बन गए लेकिन आज आप देखिए जो हमारा नॉलेज है और शायद उनका नॉलेज है उसमें हमारा मैच क्यों नहीं खा रहा है, क्योंकि बस रटन विद्या जैसा करवा रहे हैं और हो रहा है और उसके बाद में बच्चा वहीं के बाद शून्य पे पहुंच रहा है। हम क्यों नहीं वैदिक मैथ्स को लेते हैं और स्टार्टिंग से वैदिक मैथ्स से रिलेटेड हम कोई चीज किसी चीज की अवधारणा को विकसित करने के लिए छोटे छोटे अलजेब्रिक वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं पजल्स के रूप में वो क्यों ना करवाएं। हम इंटरेस्टिंग कर दें बच्चों को, प्लेबैक तरीके से सिखा दें,
रियल ऑब्जेक्ट को लेकर चलेंगे तो नेचुरली हम स्किल डेवलपमेंट को और ज्यादा बच्चों को करवा सकते हैं, जिससे बच्चे का डर भी खत्म हो जाएगा। और रियलिटी है डेफिनेटली बच्चा डरेगा नहीं, बल्कि वो टीचर को पकड़ेगा और मैं सीखेगा कैसे भी करके कितना भी हो जाए। तो मेरी बात इतनी ही है सर। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों के हमने आज विचार सुने। थैंक यू वेरी मच। अपने कक्षा का वातावरण भी अच्छा बना पाएगा, प्रैक्टिकल काम को करेंगे तो बच्चों के साथ सीखने सिखाने का भी अच्छा काम हो पाएगा और ध्यान रखेंगे। हम निश्चित रूप से देखिए जानते हैं कि हमारे पास पाठ्य पुस्तक होती है एक शिक्षक के पास, और पाठ्य पुस्तक एक सीमित है क्योंकि तो उसमें बहुत कुछ लिखा नहीं जा सकता, मगर शिक्षक स्वतंत्र है कि वह उस विषय वस्तु को किस तरीके से पढ़ा सकता है। उसको ये पता कि मेरा उद्देश्य क्या है, उसके लिए वो जो भी विधाएं काम में लेता है, जो बच्चों के अनुकूल है, जिनमें बच्चे आनंद अनुभूति करते हैं, जिनसे जल्दी जुड़ा होता है, वो शिक्षक ले सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं करते। ये शिक्षक के खुद अपने स्वाध्याय पे निर्भर करता है। क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या हो सकती है। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। आवाज आ रही है थोड़ी, बस कट कट के आ रही है। ठीक है, तो शिक्षक जो है अपनी विषय वस्तु को जो पाठ्य पुस्तक दी है वो अपने तरीके से अपन के माध्यम से अभ्यास के माध्यम से उनको बहुत अच्छे तरीके से करा सकता है। और ये शिक्षक के लिए इसे स्वयं अपनी अपने आप को अपने कौशलों को विकसित करने की आवश्यकता है। अगर ये इस बात के लिए डेडिकेटेड है कि मुझे बच्चों को अच्छी तरह सिखाना है, तो इसलिए उसे सीखते रहना होगा। हमें आपको जानेंगे भी कि शिक्षक अपने को निरंतर तैयार करता रहेगा, क्योंकि एक बार कोई चीज को जान लेने से ये परफेक्ट नहीं हो जाते। हम आज भी अगर इतने वर्ष हो गए अगर हमें देखें कि प्राथमिक स्तर को पढ़ाना है, तो वर्तमान में जो नए नए तरीके आ रहे हैं हम उनको भी देखें। आजकल डिजिटल का है, हम उसका कितना प्रयोग कर सकते हैं, वीडियो हमारे को जो मिलते हैं उनका हम ICT में कितना उपयोग कर सकते हैं। बच्चे जो भी चीजों को पसंद करते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि खिलौने बनाना, कागज के खिलौने बनाने का बच्चों को छोटी कक्षा के बच्चों को बहुत शौक होता है। बच्चे चिड़िया, बच्चे गेंद और बच्चे कमल का फूल, बच्चे नाव, ये सब चीजें बनाते हैं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, नहीं कट रही है आवाज। सर आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही सर क्लियर, इधर साउंड आ रहा है सर, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवर कुछ मतलब सुनाई नहीं आ रही। थोड़ा नेटवर्क की समस्या हो सकती है सर, थोड़ा आपका वीडियो ऊपर के बोले तो शायद ये क्लियर आया आवाज। आपने म्यूट कर दिया। हाँ बोलिए महेंद्र जी, बोलिए सर। तो महेंद्र जी जब तक अपने उपकरण को ठीक कर रहे हैं तब तक दूसरे साथी अपने विचार रख सकते हैं, जैसे मनीष दादी जी ने भी इच्छा जताई है अपनी बात रखने की, तो मनीष जी अपनी बात रख सकते हैं। नमस्ते सर। हाँ बोलिए सर, आपकी आवाज थोड़ी धीमी है, थोड़ा जोर से। नमस्ते सर। हाँ
सर मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे बच्चों तो खेल खेल में सह जाए, जैसे मैंने मेरी स्कूल के अंदर सांप सीढ़ी बना रखी है, जो गिनती एडिशन सब्ट्रैक्शन और टेबल्स मैं सांप सीढ़ी से सिखाता हूँ, उसका वीडियो भी मेरे पास उपलब्ध है, अगर आप चाहो तो आप इस रूप में सेल कर दूंगा। जैसे अपने डाइस चलाई पांच आया, तो कोई बच्चा पांच पे है तो पांच प्लस पांच एक दो छह सात आठ नौ दस ऐसे एडिशन सिखाया जा सकता है। अगर उसको ही थोड़ा उल्टा चलाया जाए, जैसे उल्टी सांप सीढ़ी चलाया जाए तो उसको सब्ट्रैक्शन सिखाया जा सकता है। और ऐसे टेंथ तक की टेबल अपन इससे सिखा सकते हैं, और खेल खेल के अंदर सिखाया जा सकता है। मेरे स्कूल के बच्चे चौथा या आधा पौने का पहाड़ा बोल सकते हैं और 50 तक की टेबल आती है, और ये सब मैंने सांप सीढ़ी के माध्यम से और खेल खेल में सिखाया है। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आवाज सर, बोलो मनीष जी। हाँ, तो अपन सांप सीढ़ी के द्वारा या दूसरे जो छोटे छोटे गेम्स होते हैं इसके द्वारा खिलाया जा सकता है। जैसे अपन उनको एक गेम खिला सकते हैं पैसों का लेन देन, या मतलब जैसे छोटी सी दुकान लगा दी, सभी तरह के नोट दे दिए कि मैंने 2 रुपए का ये सामान खरीदा तो तेरे पास कितने रुपए माइनस हो जाए, कितने रुपए ज्यादा बचे। शरीर अपने अपन बॉडी पार्ट से 50 तरह की चीजें सिखाई जा सकते हैं, सभी प्रकार के टोन, न्यून टोन, अधिक टोन, सम टोन, सरल टोन, सब अपन बॉडी पार्ट से सिखा सकते हैं। अपन जैसे ट्रायंगल और रेखा की बहुत सारी लगभग 50 चीजें अपन इससे अपन अपने बॉडी पार्ट से सिखा सकते हैं। और मतलब अपन जितना TLM का उपयोग शुद्ध और बच्चों को खेल खेल में सिखाए उतना ही ज्यादा बढ़िया मैथ के अंदर अच्छा रह सकता है, मेरा ही मानना है। बहुत अच्छे। हेलो, हाँ धन्यवाद मनीष जी, आपने बहुत अच्छी प्रक्रिया समूह के सामने ला पाए आप। शायद मनीष जी की बच्ची भी बहुत टैलेंटेड है, वो भी स्टेट पे गई भी है। मनीष जी की स्कूल के बच्चे भी बहुत होशियार है। मनीष जी, मनीष जी कौन सी स्कूल पढ़ाते हैं वर्तमान में? मनीष जी कौन सी स्कूल पढ़ा रहे हैं? अजमेर जिले में चेचरा खेड़ा। अजमेर में। अच्छा अच्छा, धन्यवाद मनीष जी। हाँ सर आगे महेंद्र जी। हाँ, चर्चा लगभग 1.5 घंटा हो चुका बातचीत होते हुए, संवाद होते हुए। आगे कुछ साथी और अरविंद जी अपनी बात रखना चाहें। सर एक मिनट, मैं बोलूं सर? एक मिनट लूंगा बस। केवल हाँ बोलिए सर। हाँ सर, एक तो किसी भी शिक्षक को जैसे महेंद्र जी सर ने भी कही बात, रोचकता जरूर लानी चाहिए चलती हुई क्लास में किसी भी तरीके से। तो चेहरे पे एक बार हंसी का भाव आएगा ना बच्चों के, तो अपने को ये पकड़ में आ जाएगा कि कितने बच्चे बिल्कुल क्लास के अंदर है, पहली बात। और वो इंटरेस्ट भी लेंगे, कब कब हंसी की कोई बात आ जाए बिल्कुल उसमें सजग रहेंगे। और दूसरा, शिक्षक को ना दो रोल में होना चाहिए। शिक्षक सर, मैं कह रहा हूँ शिक्षक को डबल रोल में होना चाहिए, एक शिक्षक के रूप में और एक विद्यार्थी के रूप में। उसको खुद को यह भी मानना चाहिए कि मुझे क्या चीज बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी अगर शिक्षक इस तरह से समझाए। बस ये थोड़ा सा डबल अगर उसके सोच में रहेगा ना कि मैं भी सामने हूं, बच्चों के बीच में मैं बैठा हूं, तो मेरे को शिक्षक अगर इस तरह से समझाएंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। बस ये दो ही बातें कहनी थी सर। अब हमारे दूसरे साथी और कोई साथी अपनी बात रखना चाह रहे हैं? किसी साथी के मन में कोई अपना अनुभव रखना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, आमंत्रित है।
लेकिन साथ ही एक बात जो मैं और आपको कहना निवेदन करना चाहता हूँ कि दरअसल हमें इस बात का अंतर समझना पड़ेगा। कई बार हम कहते हैं कि कौन सी चीज रटनी है और रटना क्या रटना चाहिए, क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि रटने हमें रटाना नहीं है। रटने में और समझ करके याद रखने में बहुत अंतर है। कई बार जो चीज बिना सोचे समझे याद की जाती है वो सूत्र हो या चाहे टेबल धारे हो, तो दिक्कतें ऐसी होती है कि अगर बच्चा कहीं भूल गया तो फिर उसे वो चीज ध्यान में नहीं आती, फिर वो शुरू से करता है। और उससे हम ये कहते हैं कि समझ कर अगर उसने वो चीज बनाई है तो भूल के भी सूत्र बना सकता है। ये चीज कैसे आई और शुद्धता के बाद गणना करे, अगर वो बनाने बारी लग गया तो फिर वो उसमें समय बहुत लग जाएगा। तो हमें ये भी चुनौतियों को ध्यान रखना है कि चीजें ऐसी है जो के आगे गणना में काम आती है। जैसे हम बात करते हैं वर्ग है, वर्गमूल है, टेबल्स है, ये चीजें ऐसे याद होनी चाहिए। कई बार हम आपस में अगर संबंध सिखा दें कोई चार्ट के माध्यम से तो बच्चों को चीजें बहुत अच्छे से आ जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देखे, जब हम यूनिट की बात करें रूपांतरण, आप जैसे अगर एक मीटर और उसे एक मीटर स्क्वायर कितने होंगे तो स्क्वायर बता देते हैं, ये आपने देखा होगा। बच्चों को ये ध्यान नहीं आता कि क्षेत्रफल की से परिवर्तन करना है या किलोमीटर मीटर में क्या है या मीटर और मिलीमीटर में क्या संबंध है, क्या क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है। हमें छोटा ध्यान किलो है। अब यदि डेका से अगर किलो में जाएगा तो हमको पता है इकाई का सोना वो है जो है। इसी तरह तो इकाई का विधि से संबंध है तो यह हजार है। अब हमें यदि इन चीजों को अच्छे से मिल जाती है तो ये किलोग्राम हो, ये लीटर हो या मीटर हो, इनमें आपस में जो भी संबंध है बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं कि कौन किसका कितना गुना होगा। ये 10 गुना होगा, 100 गुना होगा या 1000 गुना होगा, या 10वां भाग होगा, 100वां भाग होगा, 1000वां भाग होगा। कुछ इस तरह की जो प्रिपरेशन है कोई जरूरी कोई किताब के अंदर मिलेगी, अपने अनुभवों से शिक्षक को भी काम की तैयारी होगी जिससे उसके उसको लाभ मिल सके। आगे देखते हैं कि मुझे अपना ध्यान है कि बचपन में टीचर ने जो बोर्ड पास का नियम हम जानते हैं वो दोहे के याद कर हमें भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, भूल नहीं पाते उसे। वो कहते थे कि पहले आपको काटिए, दूसरे भाग तीजे चौथा कूड़ घटाए, यानी सवाल में आ रहा है तो पहले काट दें, दूसरा डिवीजन का है, तीजे गुणा कीजिए मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद में चौथा लास्ट जोड़ घटाना है, उसमें आप किसी को भी ले सकते हैं। ऐसे आपने देखा पहले मंथ के नाम बताते थे तो वैसे हम याद करके कि जून नवंबर जानवरी अप्रैल सितंबर 30 फरवरी 28 की बाकी सब 31 खबर 28 खबर ये स्पष्ट करी जाती थी। तो ऐसे छोटे छोटे जो पौधे हैं जो गीत के रूप में के रूप में जो हमारे भारत गणित है जो बहुत काम हुआ है इस बाकी जो समय में भुला चीजों को चीजें ऐसी बच्चों को भी बताती है और बच्चों को ये याद भी रहती है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी कोई चौथाई इस तरह के प्रयास हो सकते हैं। कोई भी संख्या का अगर देखिए जब हम कहते हैं कि पहाड़ है कोई भी संख्या
पड़ेगा आप बच्चों को एक अभ्यास दे करो, बच्चे जोड़ने में बहुत टाइम लगाते हैं। अब टीचर को अगर ये देखना है ये जोड़ सही है या नहीं है करना के, तो वो पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ के कर सकता है, जिसे हम दो के रूप में लिखा है, आदि अंत को जोड़कर पांच करे। अब यदि अगर में देखें तो ये श्रेणी में संख्याओं के योग का सूत्र है, क्योंकि किसी और मतलब है यानी दस संख्याएं दी की पांच पांच से गुणा कर रहे हैं, इसे में है, बड़ा आनंद आता है। और जब हम सूत्र के साथ जोड़कर सुनाते हैं तो बच्चे को सूत्र भी समझ में आता है कि अंतर वाली संख्या है, तो उनको जोड़ना हो पहली संख्या की संख्या यदि मौजूद है तो हम उसका जोड़ आसानी से गणित में हम कहां आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, तो जो पूरी बात समझ नहीं पा रहे होंगे साथी। हां सर, नेट की थोड़ा पड़ेगा फिर नेट की। तो साथियों और कोई अपनी बात मुरली जी कहना चाहे तो इसको समाप्त कर दें, कोई और सवाल रखना है तो राम सिंह जी आप आओ, साहब भी जुड़े हुए हैं, अगर वो भी बात करना चाहे। हाँ राम सिंह जी, नमस्कार सर। मेरे को हाँ बोलिए सर। सर मैं कोटा से दिनेश कसेरा जी आप सभी को नमस्कार करता हूँ, और आप लोगों के विद्वान साथियों के मैंने अपने अपने उद्बोधन सुने, और गणित से डरता क्यों है बहुत अच्छे अच्छे विचार करे हैं। मैंने भी मेरे विद्यालय के अंदर और जहाँ पर भी मौका मिलता है इस प्रकार के कई क्रियात्मक कार्य मैं करता रहता हूँ और आप लोगों से सीखा है, तो कई प्रकार का मेरा भी मुख्य उद्देश्य, अभी ज्यादा अनुभव नहीं हो सकता मुझको, वैसे आप लोगों के ज्यादा अनुभवशील हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कम कहीं ना कहीं जब गणित पढ़ाते हैं तो केवल वन वे ही करना प्रारंभ कर देते हैं, केवल हम ज्ञान है वो हम कोशिश करते हैं बच्चे तक पहुंचा दें, वो केवल एक ब्लैक बोर्ड या जो भी व्हाइट बोर्ड है उसके माध्यम से, जबकि वास्तव में अगर हम उस चीज को प्रैक्टिकली रूप से यानी क्रिया करके अगर हम उस चीज को सिखाएं तो वो ज्यादा बच्चों तक पहुंचती है और वो चीज उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। जैसे आज मैंने ऐसा कई सारे प्रैक्टिकली में, जैसे कई बार अपन विद्यालय के अंदर भी बताते ही हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो इस प्रकार की गतिविधियां कराकर उनको क्लियरली देना पड़ेगा, तो हमने चार दिए किसी भी प्रकार का आप त्रिभुज कटाएं और उन यदि त्रिभुजों को कोणों को यदि वो नापेगा और बाय प्रैक्टिकली थोड़ा सा प्रोसेस वो बढ़ाए तो हमेशा उसका योग 180 डिग्री। एक मैंने छोटी सी क्रिया विधि जरूर कराई, तो हम जानते कि कोई भी किसी भी प्रकार का जो वृत्ताकार है यानी पहिए का आविष्कार, तो अपन देख रहे हैं कि पहिए का जब कोई वृत्ताकार चीज है तो उसके अंदर पाई का कंसेप्ट मैंने बच्चों को समझाने का प्रयास किया, तो कई तरह के वृत्त कटवा लिए गत्ते के, छोटा बड़ा कोई बात नहीं, बिना मेजरमेंट के ही कटवाए छोटा बड़ा और कोई बड़ा। अब यदि आप उस वृत्त का ध्यान से अगर वो एनालिसिस करे 8th-9th का बच्चा, तो उस वृत्त में जो पाई का मान हम लिखते हैं 22/7 यानी परिधि और व्यास का हमेशा अनुपात 22/7 होगा, यानी अगर उसका व्यास के कोई बालक केवे कसर ये तो 15 निकला, तो यानी वो 15 का 3.14 गुना यानी ऑटोमेटिक 46 के करीबन उसका परिधि निकलेगी, यानी यदि कोई चीज वृत्ताकार है तो उसका जो अनुपात होगा वो हमेशा 22/7 के रूप में ही होगा, तभी वो वृत्ताकार होगी। अगर ये अनुपात कभी नहीं होगा तो वृत्ताकार न होकर यानी उसको लुढ़कने में हमें दिक्कत होगी, तो इस प्रकार की कई गतिविधियां हम कराते हैं और जिससे बच्चों में गणित के प्रति डर खत्म होकर और आगे की ओर वो अग्रसर होता है। एक
आप लोगों ने गणित का ये मैजिक ही बोलो तो आप किसी भी बच्चे से ये कह सकते हैं कि आपको कंटिन्यूस क्रमागत रूप से 10 संख्याएं लिखनी है। कोई बालक ने कहीं से भी प्रारंभ करी, माना 35 से लिखी तो 35, 36, 37, 38, 39, 40 10 संख्याएं। अब आपको फटाफट इसका जोड़ बता दे क्या योग होगा। अब कोई कहे कि सर ऐसा तो नहीं तो 35 से ही रटकर आए हो, कोई भी उसने कहीं से भी प्रारंभ करें तो आप उसको ये बताएं, उसकी रुचि जागृत करें कि किसी भी संख्या जो कंटिन्यूस है 10 तक आप लोगों को सबको ध्यान होगा तो उनका जोड़ हमेशा वो जो पांचवी संख्या है वो और उसके पीछे 5 लगाने पर ही प्राप्त होता है। यानी कहीं से भी प्रारंभ करें, 74 से करी 74 तो 74, 75, 76, 77 तो जो पांचवी संख्या है उसके पीछे यदि हम 5 और लगा दें, हर जगह ये नियम लागू हो रहा है तो उसका योग पूरी 10 संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के कई रोचकता वाले गणित के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं जिससे बालक को आनंद आएगा, वो कहेगा हाँ सर आज तो आज कोई ना कोई गणित की पजल्स भी करें, कोई नई चीज है। थैंक यू सर। धन्यवाद दिनेश जी। सर हेमलता जी मैम कुछ कहना चाह रहे हैं तो हेमलता जी मैम अपने विचार रखें। हाँ हेमलता शर्मा जी मैम अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट करके फिर बोलिए मैम। सॉरी यस सर मैं देखा नहीं था। मैं जयपुर से हेमलता शर्मा बोल रही हूँ, मैथ्स लेक्चरर हूँ। गणित में रुचि रखने वाले सभी महानुभवों और मित्रों को मेरा नमस्कार। मैंने अभी तक जब से मैं ध्यान से सुन रही हूँ सबकी चीज़ें कि सब क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में भी थी कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो एक एग्जैक्टली जो एक मैथ्स टीचर के मन में होती है कि किसी भी चीज़ का, जैसे मंगल सर ने कहा कि पहले उस किसी भी चीज़ को डायग्नोस करो फिर उसका उपचार करो। सोहन सर ने भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई कि इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी थोड़ी सी कि जो एक तो ये कि कभी भी जैसे बच्चे को प्रश्न कराया जाता है उसके बाद में उसको वेरीफाई कराने अपने को ये भी बताया जाना चाहिए, अपन को बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि उसको अपने उत्तर को कैसे वेरीफाई करें। बहुत सारे ट्रिक्स होती है हर प्रश्न में, मोस्टली में ऐसा होता है कि हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है अपना x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10 है ना, तो अपन इसको सॉल्व करते तो x का मान अपना 4 आता है, तो हम अपना उत्तर 4 सही है या नहीं इसको हम चेक करेंगे लास्ट में, अपनी जो मूल इक्वेशन है मूल जो समीकरण है उसमें रख करके देखेंगे, पुट करके देखेंगे कि अपना उत्तर सही है या नहीं। तो मोस्टली बच्चे में ये हैबिट भी अपने को डलवानी चाहिए कि वो अपने उत्तर को खुद वेरीफाई कर पाए। ये चीज मैं कहना चाह रही थी, मतलब उसको पूरा प्रश्न कर लिया लेकिन उसको एक खुद को क्लियर नहीं होता कि उसका सही है या नहीं, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो उत्तर सही है कि नहीं। तो जिन प्रश्नों में ये संभावना हो कि वो चेक कर सके तो एटलीस्ट उनमें वो चेक करने की आदत भी अपने को डालनी चाहिए। और एक चीज पुट करने का नियम है, पुट करने का नियम अपन मैथ्स में करते हैं, हर चीज पुट करके देखते कि वो चीज सही है या नहीं है, तो वो पुट करने का नियम अपने दैनिक जीवन में भी बहुत यूजफुल है कि हम सपोज कोई एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम दूसरे की जगह पर होते तो हमारा व्यवहार कैसा होता, मान लो हम ये जानना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे उसकी जगह अपने आप को पुट कर लेंगे तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो बिल्कुल सही होगा। कई बार हम कुछ हमारे मन में कुछ प्रश्न होते कि ऐसा होगा तो क्या होगा क्या होगा, है ना, उन सभी केसेस में हम अपने आप को दूसरे व्यक्ति जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसा बिहेव करेगा तो अपने आप को पुट करके देखें उसकी जगह पे, अपने को बिल्कुल सही रिजल्ट मिलेगा, अपने को बिल्कुल सही आंसर मिलेगा उसका। तो मैं इसको बचपन से पुट करने का नियम बोलती हूँ। समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अपन अपने दूसरे की जगह अपने आप को पुट करेंगे तो अपने अपन उस चीज के बारे में बिल्कुल सही निर्णय ले पाएंगे। बस यही कहना चाह रही थी सर मैं। थैंक यू सभी को। अब मैं अपनी बात को क्लोज कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, ओवर कर रही हूँ। धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? हेलो यस सर, आपकी आवाज आ रही है? सॉरी बोलिए। हाँ तो सर, समय की सीमा है और चर्चा अभी चल सकती है क्योंकि सभी साथियों को अपने अपने विचार रखने का स्वतंत्र अवसर भी है, पर अब अपना चूंकि समय जो नियत दिया हुआ था उसमें लगभग बात काफी हो चुकी है और निश्चित रूप से आगामी समय में हम फिर और इस चर्चा को और गहरी अलग अलग मुद्दों के ऊपर, गणित विषय के अलग अलग एक एक बिंदु के ऊपर जिसपे आज हमने बात की है विस्तार से चर्चा कर सकेंगे।
हम जानते हैं कि गणित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिसको लेकर हमारे वेदांग ज्योतिष में भी कहा है यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मयू यथा तदत वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्धनिश्चितम। गणित का स्थान सर्वोपरि है, जैसे मोर के सिर पर उसकी कलंगी चोटी का स्थान है, सांप के अंदर उसकी मणि का स्थान सर्वोपरि है, इसी प्रकार सभी वेद और शास्त्रों में गणित का स्थान सर्वोपरि है। आज की इस चर्चा में आप सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, बहुत आनंद आया, एक दूसरे से हमें सबको सीखने का अवसर मिला और हम ये प्रयास सब कर रहे हैं और हमारे जितने भी संपर्क में आएंगे शिक्षक, हम प्रयास करेंगे कि गणित इसी रूप में जो आज हमने चर्चा की है वो क्लासरूम तक जाए, कि जिसमें शिक्षक सहज वातावरण के साथ काम करे, कक्षा कक्षाओं में रचनात्मक कार्यक्रम हो, क्रियात्मक कार्यों को बढ़ावा मिले, अभ्यास पर जोर हो, अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाए, गणित को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए, मेंटल मैथ्स के ऊपर कार्य किया जाए और जहां बच्चों को लगे हमें उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर दिया जाए और ऐसा कार्य होगा तो निश्चय। और जो बात एक और कही गई थी कि बच्चों की कठिनाई जहां आ रही है तो शिक्षक धैर्य पूर्वक उनकी कठिनाइयों को देखकर उसका निस्तारण करे और ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे बड़े आनंददायी तरीके से गणित को सीख सकेंगे, उनमें जो गणित के मन में जो डर है वो डर दूर हो सकेगा और वो अपने गणित का न केवल सीखेंगे बल्कि दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग अच्छे से कर सकेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, लेकिन ये सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के सहयोग से, सभी विद्वान साथियों के सहयोग से आज की चर्चा बहुत ही अच्छी रह पाई, लेकिन कुछ समूह में ये भी आ रहा था कि ये समूह आगे भी चलता रहे, समूह में हमको भी जोड़े, कुछ साथी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि इस चर्चा को सभी साथी आगे भी जारी रखना चाहते हैं, तो इस तरह का संवाद हम आगे भी करते रहेंगे और हम अपेक्षा करते हैं कि आप सब साथी जब भी आगे हम इस तरह का विचार विमर्श करेंगे तो उसमें भाग लेंगे। तो महेंद्र जी सर, आप बता सकते हैं कि अगली कड़ी में ये गणित पर ही करें या किसी और टॉपिक पर? इस पे एक्चुअली चर्चा करके अपन विचार कर लेंगे, क्योंकि गणित के आस्पेक्ट को लेके या क्लासरूम में, क्योंकि एक एक टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम TLM को लेके इसके ऊपर काम कर सकते हैं, अभ्यास के लेकर इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, क्लासरूम में टीचर किस तरह से काम करे शिक्षण को लेकर, तो इस चर्चा का विषय आगामी समय में जब भी अपना समय मिलता है एक बार विचार करके डिस्कस कर लेंगे और साथियों की राय ले लेंगे और जो विषय साथियों का फील्ड से भी आप ले लीजिए कि किस मुद्दे पर ज्यादा उनकी अपेक्षा है तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा मेरे विचार। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने आज ये अवसर दिया फाउंडेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जिन्होंने ये अवसर दिया और इस अवसर की वजह से आज हम साथियों से बातचीत कर पाए, थैंक यू अगेन। Once again, thanks to them. All of you, and thank you very much. Nice to meet you. सभी को धन्यवाद। सभी को धन्यवाद।